What's up, all my VCians? क्या हाल चाल है बच्चे फटाफट फड़ से मुझे एक ऐसे सेशन के साथ बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस सेशन से आप लोगों के जेई मेन में कम से कम आठ नंबर और बहुत लंबा सेशन भी नहीं है फिर भी मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि कम से कम मिनिमम ऑफ एट मार्क्स विल बी हंड्रेड का सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है बच्चे कम से कम देखो मतलब कई बार होता है कि आपके तीन सवाल आ जाते हैं केवल नेम रिएक्शन से रिलेटेड बट कम से कम है मिनिमम भी अगर मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आप लोग का आ जाता है ना तो बच्चे आपको आज मैं कराने वाली हूं ऑल द नेम रियक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए बिफोर आई स्पीक फर्दर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यू कैन हियर मी यस हाँ अच्छा चलो सबसे पहले शुभ राम नवमी हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू ठीक है आज मैंने भी फास्ट रखा है uh, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी रखा होगा और अगर आपने नहीं रखा तो आई एम श्योर आपके मम्मी पापा दादा दादी सब ने रखा ही है ना हमारे घर में सब ने फास्ट रखा है uh, और सबसे पहले मतलब द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कल के लिए बहुत सारा सॉरी कल मैं आप लोग की क्लास नहीं ले पाई बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे कल मैंने आपको बताया था परसों ही बताया था कि हमारे यहाँ पर एक पूजा थी ठीक है तो हम लोग सुबह चार बजे उठे uh, पाँच बजे पूजा जहाँ पर थी वहाँ गए एंड आप बिलीव नहीं करोगे वो इतनी लंबी पूजा थी मतलब मैंने खुद पहली बार इतनी लंबी पूजा अटेंड uh, करी तो तीन बजे पूजा खत्म हुई और उसके बाद चार साढ़े चार बजे हम घर आए इसीलिए और सुबह एंड इट वाज लाइक बिल्कुल आपको फास्ट रख के पूजा करनी होती है कुछ खा पी नहीं सकते तो भाई साहब वो मतलब मेरी बस हो गई थी कि चार साढ़े चार बजे एक तो चार बजे उठे है ना फिर चार साढ़े चार तक पूजा में बैठे तो फिर इसलिए ना थोड़ी अंदर से हिम्मत नहीं थी कि मैं क्लास ले सकूं फिर आई थॉट ही कोई बात नहीं एक दिन अगले दिन मतलब क्लास को शिफ्ट कर देते हैं इसीलिए आज आपकी क्लास नेम रिएक्शन वाली जो कल होनी चाहिए थी उसको आज कर दिया ठीक है यस yes, बढ़िया आप लोग के भी यहाँ पे फास्ट फास्ट होता होगा हो ना है ना हाँ चलिए सो so, बच्चे जेई मेन 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट को केवल कुछ ही दिन बाकी है बट अभी भी बच्चे ये बात की श्योरिटी है कि अगर आप बिना डकमगाए बिना इधर उधर का स्ट्रेस लिए बिना एंशियस हुए कि क्या होगा कैसे होगा अगर आप अभी भी एक एक टॉपिक को अच्छे से मतलब आई वॉन्ट यू टू डू अ फ्यू टॉपिक्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे ये एक टॉपिक है जो सुपर इंपॉर्टेंट है तो अगर आप इस टॉपिक को भी अच्छे से आज दो ढाई घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आठ नंबर सिक्योर हो जाएंगे मतलब जितने नंबर आ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा नंबर एड ऑन करने के लिए ये वाले सेशन हम आपके साथ ले रहे हैं तो बस अब ज्यादा बातें तो देखो मेरे पास है नहीं तो बिना ज्यादा बात करे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी सारी की सारी नेम रिएक्शंस तो पहले भगवान का नाम ले लीजिए और टॉपिक लिख देती हूं नेम रियक्शन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जेई मेन के लिए ऐसे तो देखो बहुत सारी नेम रियक्शन है मेन और एडवांस को मिला के बट जो जेई मेन स्पेसिफिक नेम 12th है 12 वो सारी की सारी रिएक्शन मिक्स तरीके से आपको कराऊंगी ठीक है ऐसा नहीं है कि आ, समझ लो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आ, खाली 11th की कराऊंगी या खाली ट्वेल्थ की कराऊंगी मिक्स तरीके से हम नेम रिएक्शंस करेंगे चलिए तो बच अच्छा नेम रिएक्शन का ना मेरे को आ, जो टाइटल होगा उसकी स्पेलिंग्स में देखो हमेशा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि अब मैं यार केमिस्ट्री की टीचर हूँ इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं तो स्पेलिंग्स पे गौर मत फरमाइएगा इन केस स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है तो ऐसे मतलब जज मत करना कि स्पेलिंग नहीं आती ठीक है बट पढ़ाऊंगी तगड़ा इसके लिए मैं गारंटी ले सकती हूँ बच्चे सबसे पहली नेम रिएक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वार्ट्स रिएक्शन ये है स्वार्ट्स रिएक्शन आप जे मेन 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन का क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है एंड आई थिंक बच्चे uh, मुझे मतलब आई आई डोंट फील लाइक आस्किंग दिस अगैन एंड अगैन कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेना देखो मुझे पता है कि मेरी ये जो वोरा फैमिली है है ना ये जो वी वाली फैमिली है आई uh, रियली वॉन्ट really कि इसमें ज्यादा ज़्यादा बच्चे जुड़े नॉट बिकॉज अगर ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो मेरे पास लाइव वॉचिंग ज़्यादा आएगी ये सब इसमें मतलब मैं नहीं पढ़ती बट इट्स जस्ट आर स्ट्रेंथ मुझे ये पता है मतलब आप देखना मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी का मतलब एक हाईलाइट है जिसका टाइटल है आर स्ट्रेंथ वो दिल से आता है कि मेरे बच्चे हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है जो हमारी पावर है, है तो बच्चे ये रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट जैसे आपके लिए जेई का पेपर डिफिकल्ट है हमारे लिए भी ये रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट है बट वो होता है ना सिम्बायोटिक रिलेशन आपके टीचर्स आपके साथ हमेशा खड़े हैं तो मैं मैं लिटरली ये चाहती हूँ देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस तुम बच्चों का सपोर्ट चाहिए इट्स ओनली योर सपोर्ट विच विल कीप अस गोइंग है ना इट्स अ बिग थिंग फॉर अस ऑल्सो सो वी नीड टू बी स्ट्रांग क्योंकि अगर हमें तुम्हें स्ट्रेंथ देनी है तो हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हमारी स्ट्रेंथ बच्चे और कुछ नहीं तुम लोग हो Uh, अब यार मैं रो देती हूँ देखो आई एम एन इमोशनल पर्सन मैं ज्यादा मतलब मैं तो यूट्यूब के शॉर्ट्स भी स्क्रॉल करते करते कोई इमोशनल गाना आ जाता है ना तो मैं रो देती हूँ तो मैं ये सारी इमोशनल बातें नहीं करूंगी नहीं तो मैं स्क्रीन पर रो दूंगी उसका कोई फायदा नहीं है ठीक है सो मेक श्योर जिन्होंने अभी तक चैनल का पार्ट नहीं हो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ वी सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है यू विल नॉट बी आर सब्सक्राइबर यू विल बी द पार्ट ऑफ आर फैमिली ठीक है चलिए बच्चे कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मुझे फ्लोरीनेशन करानी है या लेटर से दूसरे वर्ड्स में बोलूं अगर मुझे कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाना है तो बच्चे मैं डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कर सकती ऐसे नहीं कि मिथेन के अंदर फ्लोरीन डालो सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चे बहुत तगड़ी गंदी रिएक्शन होती है एक्सप्लोजिव होती है तो ऐसी कोई रिएक्शन हम केमिस्ट्री में कैरी आउट नहीं कराएंगे जहां पर एक्सप्लोजन हो जाए तो हम क्या करते हैं हम करते हैं बच्चे हेलोजन एक्सचेंज हम क्या करते हैं हेलोजन एक्सचेंज तो मान लो मैंने एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया क्या ले लिया मैंने सी एच थ्री सी एल मिथाइल क्लोराइड इसके अंदर अगर मैंने एक सिल्वर फ्लोराइड uh, का सॉल्ट डाला मतलब मुझे कोई भी फ्लोराइड का सॉल्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बच्चे ए जी एफ अब बच्चों को केवल यही याद रहता है एजीएफ मैं आपको और भी ऑप्शन देना चाहती हूँ आप मर्क्यूरी का फ्लोराइड यानी कि एच जी एफ टू भी ले सकते हैं या फिर आपको पेपर में कोबाल्ट का फ्लोराइड सी ओ एफ थ्री भी लिखा हुआ मिल सकता है कोई भी हैवी मेटल का फ्लोराइड आपने लेना है ठीक है इन दोनों को गोली मारो तो होगा क्या ये f माइनस इस सी एच पे अटैक करके सी एच थ्री एफ बनाएगा और ए जी जो है वो ए जी सी एल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा तो क्या आपको ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई कि अगर कल को ठीक है अगर कल को मुझे सी एफ बॉन्ड आपके पेपर में कहीं पर भी बने तो आपको दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं हेलोजन एक्सचेंज जो है वो हो पाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज क्लियर टू एवरी का इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल भी करा देती हूं इसका नाम क्या है जानते हो क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉम सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर ए जी एफ डाल के हीट किया तो देखो बच्चे एक क्लोरीन यहां आ जाएगा क्या बन जाएगा सी एच टू सी एल एफ क्या ये सही बात है सी एच टू एक क्लोरीन को मतलब सॉरी एक एच एक्स्ट्रा लिख दिया है ना ये क्या बन जाएगा देखो एक सी है एक एच है तीन क्लोरीन की बजाय दो क्लोरीन आ गया एक फ्लोरीन तो आपको नजर आ गया क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानी कि फ्रियोन तो कल को फ्रियोन बनाने का सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे क्या ये बात सही है कल फ्री ऑन बनाने का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो जाना चाहिए पहली नेम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है आज की द सेकेंड मतलब इसके सामने भी मैं लिख देती हूँ स्वार्ड रिएक्शन मतलब मैं ना आज पता है क्या कराऊंगी मेरा मन ये है कि मैंने एक तो जैसे आपको रिएक्शन कराई और वैसा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी ठीक है चलिए अब दूसरी जो नेम रिएक्शन है जो आपकी क्लास ट्वेल्थ के पहले चैप्टर एल्केन्स, के अंदर है वो भी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन एग्जाम्पल है जिसको -E -E Finkelstein reaction के नाम से आप जानते होंगे थोड़ा सा सोचो क्या होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन में थोड़ा सा सोचो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है ध्यान से सुनना इसके अंदर मुझे आयोडाइड बनाना है मैं क्या कर सकती हूं बच्चे मुझे आयोडाइड बनाना है फॉर एग्जाम्पल मुझे CH3Cl लेना है है ठीक इसके अंदर मैंने डालना है एनएआई ये जो रिएक्शन है बच्चे एसीटोन की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन किस में होती है दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन अब सुनते जाओ सारी कहानी एक्चुअली एसीटोन के अंदर एनएआई सोल्यूबल होता है ठीक है और क्योंकि सी एक ट्री सी एल एक पोलर कंपाउंड है पोलर एसीटोन भी पोलर है, जहां पर हमारा रिएक्टेंट और जहां पर हमारा दूसरा रिएक्टेंट मतलब रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिल सकते हैं तो होगा क्या हमारे पास बनना चाहिए देखो ये I माइनस आकर के अटैक करेगा ये बनाएगा सी एच थ्री आई प्लस एन ए सी अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिएक्शन ना एक्चुअली रिवर्सिबल होती है द रिएक्शन इज एक्चुअली रिवर्सिबल मगर हम अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में करी तो बच्चे एसीटोन के अंदर ये जो एन है और एन है दीज आर इनसोल्यूबल ये क्या है एसीटोन के अंदर इन सोल्यूबल अब अगर ये इनसॉल्यूबल है तो हमने पिछली क्लास में रियक्शन तो तो कहां, कहां so, और, और, और आगे जाएगी एंडहेंस हमारा सी एच थ्री आई का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई क्या ये थी छोटी सी चीज सबको अच्छे से समझ आई तो पहले ये बोलो फिर हम आगे करते हैं डन अब एक और छोटी सी चीज मैम सी एच टू सी एल टू होता है फ्रियॉन नहीं अच्छा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ इसको भी मैं फ्रियॉन भी अगर लिखू इससे अच्छा मैं एक और चीज लिख दू क्या मैं इसको क्लोरो फ्लोरो कार्बन लिख सकती हूँ तो आगे कोई भी ऐसे कंपाउंड आए देखो ना मतलब इसी रिएक्शन को मैं आगे करूं मैंने एक और ए जी एफ डाल दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा सी देखो CHClf2, फिर एक और ए जी एफ डाल दिया तो जितने भी क्लोरीन को मैं रिप्लेस करना चाहती हूं रिप्लेस कर दूंगी तो ये हमारे क्लोरो हम अपनी अगली नेम रिएक्शन पे चलते हैं ध्यान से देखना अच्छा एक और चीज फोर्थ पॉइंट बच्चे ये जो रिएक्शन है इसको मैं रिवर्स नहीं यूज कर सकती मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि सी एच थ्री आई के अंदर ANACR डाला रिएक्शन को एसीटोन की प्रेजेंस में कराया और मेरे पास क्या बन गया एन ए आई प्लस सी एच थ्री द रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बताइए क्यों टेक योर टाइम जल्दी से बताइए रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है एल्डोल कैनिजारो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगी एल्डोल कैनिजारो आज सारी की सारी चीजें करेंगे मगर एक एक करके करेंगे कुछ ग्रेड इलेवंथ की रिएक्शन कुछ ग्रेड ट्वेल्थ की रिएक्शन सब कराऊंगी मुझे बताना ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है सोचो आपको पता है ये रिवर्स रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मुझे सी एच थ्री आई की एनए सी एल के साथ रिएक्शन करानी है तो मैं चाहूंगी एनए सी एल और सी एच थ्री आई आपस में बातचीत तो करें भाई एक लड़का एक लड़की है एक नॉर्थ इंडियन है एक साउथ इंडियन है ठीक है आपस आप में वो बात ही नहीं करते एक नॉर्थ इंडिया में बच्चा रहता बंदा रहता है ठीक है और एक लड़की साउथ इंडिया में रहती है आपस आप में कोई कनेक्शन नहीं है कोई बात ही नहीं करते तो वो कैसे मतलब कैसे शादीवादी होगी कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे नहीं बन सकते ना तो कोई तो जरिया चाहिए वो व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम हो फोन हो फेसबुक हो कुछ तो चाहिए जो इन दोनों को मिलाएगा मगर भैया ये एसिटोन के अंदर एनएसीएल सोल्यूबल नहीं है एसिटोन के अंदर एनएसीएल कहेगा मैं नहीं जाऊंगा ठीक है तो जब एनएसीएल एसिटोन के अंदर जाएगा नहीं तो सी एच सी आई पर अटैक करेगा कैसे इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है डन तो चार चीजें आपको समझ आ गई हैं आज की क्लास की पांचवी चीज सारी की सारी नेम रिएक्शन कराऊंगी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बच्चे चलो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं मान लो आपके पास है अमोनिया ठीक है अमोनिया की रिएक्शन कराई मैंने सी एच थ्री सीएल के साथ किसके साथ कराई सी एच थ्री सीएल के साथ अमोनिया की रिएक्शन क्या आप यह बात जानते हैं कि अमोनिया आके सी एच पे अटैक करेगा सी एल निकल जाएगा क्या यह बात सही है तो मेरे पास अगर पहले था अमोनिया अमोनिया में आता है डबल तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया सी एच थ्री एन एच टू में जो कि मेरे पास बन गया प्राइमरी अमीन अमीन में आता है सिंगल एम ठीक है तो अमोनिया को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी अमीन में ध्यान से देखते जाओ क्या यह बात ठीक है फाइन आगे देखो अब इसी इसी की दोबारा मैंने रिएक्शन कराई ये जो प्राइमरी अमीन है इसकी दोबारा मैंने रिएक्शन कराई सी एच थ्री सी एल के साथ तो अब क्या होगा यही एन एच टू इसल माइनस निकलेगा क्या बन गया सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री बन गया मेरा सेकेंडरी अमीन अगर इसी सेकेंडरी अमीन की वापस मैंने सी एच थ्री सी एल के साथ रिएक्शन कराई ये इस पर अटैक कर गया ये निकल गया क्या बन गया सी एच थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री मेरे पास क्या आ चुका है टर्शियरी अमीन। अभी भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने क्या किया ये जो मेरा टर्शियरी अमीन था CH3NCH3N CH3N, इसके अंदर मैंने एक और CH3Cl डाला ये इस पे अटैक किया ये चला गया क्या बन गया CH3 होल 4N जब भी नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा क्या मैं नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस लिख दूं है ना ये बन गया क्वार्टरनरी Q U A R टी आर एन एर वाई क्वाटरनरी अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एक बार मुझे फटाफट से चार्च में बताओ वट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन वट विल बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन वेरी गुड जल्दी से बताओ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या मैं बोल सकती हूं हॉफमैन अमोनोलिसिस सिंपल लिख दू अमोनोलिसिस रिएक्शन यहां पर हमारी अमोनोलिसिस हो गई है आगे जाके इसी से आप हॉफमैन हॉफमैन है आगे जाके इसी से हम एक एल्कीन बनाएंगे उस रिएक्शन को थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी या और और दूसरे वाला हमारा प्रोडक्ट बनता था है ना हॉफमैन एलिमिनेशन सिफ एलिमिनेशन ये धीरे धीरे आगे चल के सिखाऊंगी पहली बात क्या ये सबको अच्छे से समझ आ गया दिस इज क्लियर टू एवरी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए डायरेक्ट सवाल आते हैं बस वो आर ये चेंज हो जाएगा ये आर एक्स कोई भी ले सकता है मगर आपको याद रखना है अमोनिया से प्राइमरी प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शरी और अगर टर्सरी से क्वाटरनरी अमोनिया तक की सिचुएशन आ रही है तो कहीं ना कहीं अमोनिया और एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई हुई होगी ये बात ठीक है क्या ये बात ठीक है किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए डन चलो अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ ठीक है एक सेकेंड एक क्वेश्चन कराती हूँ सो देट आपको कॉन्फिडेंस आए ठीक है एक क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगी एक क्वेश्चन कराती हूं लिखो मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है यहां पर लगा हुआ है नाइट्रोजन और यहां पर एक मैंने ब्रिज कार्बन बना दिया यहां लगा हुआ है NH2 टू ठीक है यहां लगा हुआ है CH3 थ्री यहां लगा हुआ है CH3 अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने CH3Cl यूज होंगे हाउ मैनी सी एच थ्री सी एल विल बी यूज सी एच थ्री सी एल विल बी यूज इन द रिएक्शन टेक यूर टाइम एंड टेल मी द आंसर अब तुम देखो मतलब अभी मैंने हॉफ मैन अमोनोलिसिस कराया बट ये तो सबको आता है मगर कैसे क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है ये सोचना है मुझे कितने हॉफ मैन अमोनोलिसिस कितनी बार करानी पड़ेगी मुझे कितने मिथाइल क्लोराइड यहां पर यूज होंगे सोच समझ के बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा ये क्या है ये एक प्राइमरी अमीन है प्राइमरी को सेकेंडरी करने के लिए एक सी एच सी सी एल यूज करना है सेकेंडरी को टर्शरी करने के लिए एक और सी एच सी सी एल यूज करना है टर्शरी को क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यूज करने के लिए एक और सी एच सी यूज करना है मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टू दे रहे हैं या थ्री दे रहे हैं टू क्यों दे रहे हो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो सिखाया यार प्राइमरी अमीन से यही तो सिखाया यार इसीलिए तो सिखा रही हूं अमोनिया से स्टार्ट करोगे तो एक सी एच थ्री सी एल फिर एक और फिर एक और फिर एक और और लास्ट में एक और तो मैंने अमोनिया से स्टार्ट किया था रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अगर मैंने स्टार्ट प्राइमरी अमीन से किया तो पहले वो सेकेंडरी अमीन बनेगा फिर वो टर्शरी अमीन बनेगा फिर वो क्वार्टर अमोनियम सोल्ट बनेगा तो तीन सी एच थ्री सी एल तो ऊपर यूज होंगे भैया नीचे भी तो टर्शरी अमीन है नीचे वाले टर्सरी अमीन में अगर मैंने एक और सी एस टी सीएल डाला तभी तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा यहां पर ब्रेड्स रूल का कोई पंगा नहीं है क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन बनेगा जो वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज बन जाएगा ठीक है ब्रेड्स रूल मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव यहां अगर आएगा तो वो एसपी थ्री हाइब्रेडाइज होगा उसमें ब्रेड्स रूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर मैं पूछूं कि कितने सी एस टी सी एल यूज होंगे तीन ऊपर एक नीचे तो टोटल फोर सी एस ट्री सी एल विल बी यूज इन द क्वेश्चन भाई साहब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया अगर आपके पेपर में कभी और क्वेश्चन आए ना तो मेरी गारंटी है हॉफमैन मैन का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा ब्रिज हेड वाला अनस्टेबल होता है बहुत ही अच्छी बात इसी को कहते हैं है ना कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना कम पढ़ना है मेरी बात सुनो बच्चे ये जो ब्रिज हेड कार्बन होता है ना ये जो ब्रिज हेड कार्बन है जैसे ये वाला कार्बन हम कहते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर ये यह अनस्टेबल नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज होने से वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री मेंटेन करना चाहता है थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन आता है दैट इज ओके ठीक है दैट इज एक्सेप्टेबल अगर कल को आपने यहां पर हाइड्रोजन हटा दिया है ना या फिर यहां पॉजिटिव लगा दिया या फिर आपने क्या किया यहां पर एक डबल बॉन्ड चिपका दिया तो बच्चों तुमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को sp2 में कन्वर्ट कर दिया अरे रा 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 एस पी टू में कन्वर्ट करने का मतलब वो 120 डिग्री के एंगल पे रहना चाहता है और जबकि तुमने उसको ब्रिज हेड बना रखा है तो वो कतई 120 पे नहीं रह पाएगा इन दोनों सिचुएशन में आती है वॉयेशन ऑफ ब्रेड रूल कि ब्रेड्स रूल पे कार्बोकेटाइन या एल्कीन uh, नहीं बनना चाहिए अब कोई कहे कि मैम क्या ये अनस्टेबल है नहीं कतई अनस्टेबल नहीं है क्यों क्योंकि ये कार्बन एसपी है अगर ब्रिज हेड वाला कार्बन sp3 है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर तुम पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर तुम ब्रिज हेड वाले कार्बन को कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं करोगे अब मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि बड़े बड़े टीचर्स बच्चों को यह चीज नहीं बताते बच्चों को रटा होता है कि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव नहीं आ सकता अगर तुमने ऐसी सिचुएशन करी ठीक है अगर तुमने ऐसी सिचुएशन करी यहां पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है यू कैन नॉट से ये अनस्टेबल है क्यों क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन sp3 है sp3 करने के बाद तुम उस पर भले पॉजिटिव करो नेगेटिव करो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस जिसको ये अच्छे से चमका तो एक बार चैट में है ना हार्ट आ जाने चाहिए विद द विदेशैग चमका ये बहुत प्यारी चीज है आई थिंक इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करके दिया कि बच्चों को वो चमके समझ आ गया सबको हैप्पी चलो हमारी क्लास में एक बच्चा आया जो भाई ही गंदे लेवल का फ्लर्ट कर मतलब राइट? राइट क्या? क्या से से टीचर को आगे साक्षी बेब लिख रहे हो ठीक है ना है पड़ा ना यहाँ पे घुटनों में तो नहीं है दिमाग बड़े आए साक्षी बेब डन क्लियर हो गया सबको सात मस्त मस्त टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास का आठवां नया टॉपिक वो कहते हैं ना जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो यू ट्राई टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स है ना ना अपनी चीजों को साइड में रख के के जब आप दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो दुनिया में सारे लोग बहुत सारे बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं इवन जब आप बच्चे भी जे की तैयारी करते हो ना आप आपको खुद ये बात पता है कि जब आप जे की तैयारी करते हो रात रात जाके पढ़ाई करते हो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो इतना स्ट्रेस लेते हो ना बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं कि तेरे से ना हो पाएगा अगर अगर किसी के कहने से तुम्हारा सिलेक्शन होता या ना होता ना तो आज दुनिया में केवल वही बच्चे आई जाते हैं ना जिनके रिश्तेदार सोकॉल्ड बहुत अच्छे हैं बहुत लोग है ना मैंने तो कई कई दोस्तों को देखा जो अपने दोस्त को कहते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा चल यार आज हम रात को मूवी देखते हैं बस तुम्हें ऐसा बनना है कि दुनिया भले कुछ कहे कुछ गलत कहे पॉजिटिव कहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हमको अपना गोल क्लियर दिखता है कि मेहनत करनी है क्योंकि मुझे पता यार मेहनत करने से दुनिया की हर चीज आप अचीव कर सकते हो बस डरना नहीं है इस दुनिया से डरना नहीं है क्योंकि वो एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है ना दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों है ना ये तो हमें पीछे धकेलने की कोशिश करती है मगर आप उन हाथों को देखो जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने की कोशिश करते हैं सो so, अच्छा देखो मेरे ख्याल से ऐसे साक्षी बेब लिखने वाले तो लोग बहुत है दुनिया में चलेगा फर्क नहीं पड़ता आगे देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूं ठीक है ये जेई मेन का पीवाई क्यू है एक क्वेश्चन कराती हूं ये कि ये एक जेई मेन का पीवाई क्यू है आप मुझे सोच समझ के आंसर देंगे मैंने ना एक बेंजीन ले लिया बेंजीन के ऊपर दो सीओ लगाए जल्दी से इसका नाम बोलो क्या आप जानते हो एच टी एच ए एल आईसी इसका नाम है थैलिक एसिड इसका नाम है थैलिक एसिड अगर मैंने इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो यह बनाएगा C -O -N -H C -O -N -H क्या यह बात सही है इसको बोलते हैं थैलामाइड थैला पी एच टी एच एड क्योंकि अमाइड बॉन्ड बनाए अगर मैंने इसको गर्म किया इसके से अंदर निकला अमोनिया ये क्या बन गया बच्चे थैली माइड जब भी बच्चे एनएच के दोनों साइड सी डबल बॉन्डो इसको इमाइड कहते हैं पी एच टी एच एल आई एम आई डी इसको क्या बोलेंगे थैलीमाइड क्या ये सही बात है थैलिक एसिड थैलामाइड थैली माइड थैली माइड तक ठीक है अगर मैंने इस थैलीमाइड से है ना ये बेंजीन सी डबल बॉन्डो एनएच यहां पर सी डबल बॉन्डो एच अगर मैंने इसकी एक्वस के एच के साथ रिएक्शन करी तो ध्यान से देखो के ओ एच का ओ एच माइनस एक बहुत अच्छा बेस है ये इस एसिडिक प्रोटॉन को लेकर जाएगा यहां पर नेगेटिव आ जाएगा क्या ये बात सही है क्या मैं लिख दू ओ एन माइनस ओ एन माइनस और के पॉजिटिव अगर मैंने इस एन माइनस के पॉजिटिव की सी एच सी एल सी एच थ्री सी एल के साथ रिएक्शन करी तो ये इस पर अटैक करेगा ये यहां से चला जाएगा ये मिकेनिज्म इसलिए सिखा रही हूं क्योंकि पूरा का पूरा मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल पेपर में आता है ठीक है इसको क्या बोलेंगे नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप लग गया सो दिस इज एन एलकाइल पी एच टी एच ए क्या बन गया एन एलकाइल थैली क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी वन अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाती हूं बच्चे इसके अंदर आपको फाइनली डालना है पानी ठीक है आपको फाइनली क्या डाल देना है पानी क्या डालोगे फाइनली पानी अब इसका मैकेनिज्म अपने को नहीं करना मैं आपको दिमाग दिखाती हूं पानी डालना है ना जब आप पानी डालोगे सीओ को ओ एच दे दो नाइट्रोजन को एच दे दो सीओ को ओ एच दे दो नाइट्रोजन को एच दे दो मेरे पास क्या बन गया मेरे पास बन गया वापस थैलिक एसिड और मेरे पास प्राप्ति हो गई एनएच टू सी एच थ्री यानी कि प्राइमरी अमीन की क्या ये बात सही है क्या आपको समझ आ गया इस पूरी की पूरी पर्ची को जो मैंने यहां पर लिखा इसका नाम है गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थैलामाइड नहीं गेब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन ठीक है गेब्रियल थैलामाइड थैलीमाइड जो भी लिख लो सो द रिएक्शन इज नोन एज गेब्रियल थैलामाइड सही लिखा था पी एच टी पी एच आ, टी एच ए एल अरे यार स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को गेब्रियल पी एच टी एच एल आई एम आई गेब्रियल थेक्शन क्या यह बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई क्या आपको यह चीज भी अच्छे से समझ आ चुकी है कि गेब्रियल थेलमाइड रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन बनता है कौन सा अमीन बनता है प्राइमरी अमीन कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो ठीक है नाइन्थ पॉइंट गेब्रियल थैलेमाइड के अंदर केवल केवल प्राइमरी अमीन बनता है गेब्रियल थैलेमाइड के अंदर आप आरएक्स लोगे ना ये आर ग्रुप कभी भी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए आर ग्रुप कभी भी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल बेंजीन पे सीएल है इसको आरएक्स नहीं कहोगे क्योंकि अदरवाइज ये वाला जो बॉन्ड है ना इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ही मॉलिक्यूल आगे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा इज एवरीथिंग ओके क्या सब बच्चों को समझ आ गया डन ठीक है चलो ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे आप लगभग लगभग लेकर चलो है ना कि तीस क्वेश्चन आने हैं दस दस क्वेश्चन पर सब uh, टॉपिक आएंगे मतलब दस क्वेश्चन ऑर्गेनिक दस इनऑर्गेनिक दस फिजिकल

वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा ऑर्गेनिक की मतलब क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक का जिसमें फिजिकल घुसा देगा तो दूसरे को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक की परसेंटेज ज्यादा आई जबकि वो था फिजिकल का क्वेश्चन तो लगभग लगभग आप दस दस क्वेश्चन पर मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल ही आप मान के चल सकते हैं क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई ठीक है सो so, दस सब टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास की अगली नेम रिएक्शन आई थिंक इस बात से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना खाली नेम रिएक्शन करना जरूरी नहीं है मैं आपको नेम रिएक्शन के साथ साथ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से वो भी करा रही हूँ सो so, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है राइट चलिए आज की क्लास का ग्यारहवा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं वो है सिंथेसिस ऑफ ईथर सिंथेसिस एस वाई एन टी एच ई एस आई एच विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर ये भी एक नेम रिएक्शन का ही पार्ट है इसीलिए मैं आपको आज की क्लास में करा रही हूं बच्चे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बेसिकली क्या कहते हैं कहते है, मान लो शुरुआत आपने करी एल्कोहल के साथ किसके साथ एल्कोहल के साथ, साथ. किसके अंदर मान लो मैंने सोडियम मेटल डाला है ना मेटल डाला अब मेटल की मे, अल्कोहल क्या है एसिड जब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनेगा आर ओ माइनस एन ए पॉजिटिव और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी राइट जब एल्कोहल से एच प्लस निकाल रहते हो तो ये क्या बन जाता है एल्कोक्साइड ये क्या बन जाता है एल्कोक्साइड अब इस एल्कोक्साइड की रिएक्शन एक और एल्काइल हेलाइट ये क्या है एल्काइल हेलाइट आपको ना रिएजेंट पहचानने आने चाहिए हो सकता है रिएक्शन की स्टार्टिंग एल्कोक्साइड के साथ हो रखी हो हो सकता है एल्कोहल के साथ हो रखी हो हो सकता है एल्कोहल में सोडियम डाल रखा हो या एल्कोहल में एनओ डाल रखा हो फिर एल्काइल हेलाइट ऐड कर रखा हो तो आपको नजर आ रहा है आर पे डेल्टा पॉजिटिव सी पे डेल्टा माइनस ये इस पर अटैक करेगा सी निकल जाएगा तो अगर मैंने इस तरीके से ईथर बनाया तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर द ईथर। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज ना क्लियर हुई हो तो प्लीज पूछिए ठीक है डन है आज की क्लास की बारहवीं रिएक्शन क्या आप बच्चे रीड्स रिएक्शन जानते हैं हैव यू लर्न एनीथिंग अबाउट रीड्स रिएक्शन एनसीआरटी में रीड्स रिएक्शन सोच के बताइए आर एक्स मस्ट भी वन डिग्री हाँ वो अभी ना एक और आपके ऑर्गेनिक का मैं क्लास लूंगी जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिकैनिजम्स कराऊंगी ठीक है अभी नेम रिएक्शन से ये पहचानना सिखा रही हूँ कि अगर एल्कोक्साइड आया अगर एल्काइल एल्काइड है तो रिएक्शन कैसे करनी है

एंड क्लास इलेवेंथ के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी दे रखिये आपने एलकेन लेना है एलकेन के अंदर मैं डालूंगी बच्चे एसओ टू सी एल टू मैं क्या डालूंगी एसओ टू सी एल टू एसओ टू सी एल टू का नाम क्या होता है एसओ टू सी एल टू का नाम होता है सलफ्यूरिल एस यू एल पी एच यू आर वाई एल सलूरिल क्लोराइड अब आधे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है मैम थायोनिल क्लोराइड क्या हुआ करता था है ना थायोनिल क्लोराइड वाली भी रिएक्शन कराऊंगी अभी देखना यहां पर मैंने डाला SO2Cl2 तो रीड्स रिएक्शन से बच्चे सबसे पहले H निकलेगा R के साथ क्या आ जाएगा Cl सबसे पहले क्या बन जाएगा RCl साथ-साथ आप देखो SO2 निकल गया और एक Cl जो यहां पर बचा H यहां पर बना ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा नो वन विल आस्क यू द मैकेनिज्म आपको कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है मगर कोई नहीं पूछेगा आपको बस ये याद रखना है कि कल को अगर मुझे एल्केन को डायरेक्टली में कन्वर्ट करना है तो मैं CL2, मतलब के साथ बच्चे ये मैं आपको बताती हूं एक होता है ना आई टी जे का पेपर एक होता है आई टी जैम का पेपर है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो गेट का पेपर होता है उसके अंदर भी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और रिसेंटली में है तो रीड्स रिएक्शन में क्या यूज करते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड अगर इसी का एक लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन में आपको कराऊ सपोज करो मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ले लिया आर एच -OH. और इसके अंदर मैं थायोनिल क्लोराइड क्या थायोनिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है एसओ सी एल टू यहां था एसओ टू सी एल टू का फॉर्मूला एसओ सी एल टू अब आपको क्या करना है ध्यान से देखो है ना इस ओ एच को हटाना है एक सीएल लगाना है इस OH को हटाना है एक Cl लगाना है क्या बन गया आर सी एल ठीक है क्या बन गया आर आगे सी एल आगे जो ओ था इसको एच सी एल यहां निकल रहा है एसओ टू और एच सी एल यहां निकल रहा है यहां पर आर सी एल बन रहा है यहां आर सी ओ सी एल बन रहा है तो दोनों नेम रिएक्शन को एक ही साथ करा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आपको कंफ्यूजन ना हो ज दिंग क्लियर टू एवरी वन ठीक है डन यस वट अबाउट अ पी वाई क्यू बच्चे पीवाई क्यू जो है ना हम आ, साथ साथ में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं साथ साथ नेम रियक्शन में करा रही हूं अगर आपको अलग से पीवाई क्यू की प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी आ, आगे आने वाले दिनों में आपका एक पूरा का पूरा पीवाई क्यू सेशन ले लूंगी जिसमें सिर्फ पीवाई क्यू की प्रैक्टिस कराएंगे फाइन मगर यही होता है कि अभी लास्ट लास्ट में अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊ ना तो ओनली अ फ्यू वराइटी ऑफ क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं वी कैन नॉट सोल्व सो मेनी क्वेश्चन समझ लो सारे नहीं कर पाएंगे कुछ वैरायटी ये कर पाएंगे इसीलिए मैं लास्ट में कोशिश करती हूँ कि बच्चे को थ्योरी रिवाइज कराओ क्योंकि थ्योरी ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो सकती है कम टाइम में थ्योरी रिवाइज करते तो effective हो तो थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है कि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन आपको कराऊं तो मुझे बताओ इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट इसको क्या बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए मतलब मेरे पास एक कीटोन है मगर देखो उसके अंदर एक तो मिथाइल होना ही होना चाहिए तो आइडोफॉर्म टेस्ट जनरली कौन देते हैं मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन के साथ हमारे पास इस चीज को भी याद रखना अगर आपको पेपर में कभी भी सी एच ओ एच सी एच थ्री या फिर सीओ सी एच थ्री ये दोनों चीजें कोई भी दिखाई दे तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैम ये आइडोफॉर्म टेस्टोफॉर्म टेस्ट की बीमारी बताती हो देखो हम इसके अंदर यूज करते हैं के ओ एच और आयोडीन आपकी मर्जी आप इसके अंदर एनओ एच आयोडीन भी यूज कर सकते हो आप इसके अंदर एनएच अगर इसको मैं आईडोफॉर्म की बजाय बजायफॉर्म टेस्ट लिखू तो आप इसके अंदर एनएच सी एल टू भी यूज कर सकते हो बच्चे आप इसके अंदर एनएच बी आर टू भी यूज कर सकते हो ये जेई वाला इतना चंट है कि वो ये चीजें दे ना दे वो ये भी दे सकता है कि मैंने एन ए ओ सी एल यूज कर लिया मैंने एन ए ओ बी आर यूज कर लिया मैंने एन ए ओ आई यूज कर दिया ये सब बच्चों को कंफ्यूज करने के तरीके हैं तो इनमें से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है अब मैकेनिज्म के साथ कराती हूँ देखो होगा क्या पहले मैंने अपना मिथाइल कीटोन लिया ठीक है इसके अंदर OH- डाला तो ये बनाएगा RCO ये एक एसिडिक प्रोटॉन को लेकर चला जाएगा CH2- अब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा ये इधर आया आयोडीन निकल गया क्या बन गया RCO CH2I फिर आप इसके अंदर OH- डालो ये एसिडिक प्रोटॉन लेकर चला जाएगा क्या बन गया RCO एक 1i फिर इसके अंदर आप आयोडीन डालोगे ये इधर ये इधर तो मेरे पास बन गया RCO सी एच आई टू इस रिएक्शन को वापस कंटिन्यू करोगे ओ OH एच माइनस और आयोडीन डाल के आपके पास बन जाएगा आर सी ओ सी आई थ्री रिएक्शन यहां तक स्टॉप नहीं हुई अभी भी आप इसके अंदर OH डालोगे इस पर अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा तो जब ये कम बैक करेगा सी आई थ्री माइनस निकलेगा मेरे पास बन गया आर सी ओ एच प्लस सी आई थ्री माइनस भाई साहब ये सी आई थ्री माइनस कार्बन पे नेगेटिव है ना ये आयोडीन पे नहीं है कार्बन पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये प्रोटॉन कर आ जाएगा. मेरे पास बन गया -NA and और ये जो सी एच आई थ्री बना ये येलो कलर का पीपीटी होता है कभी अगर आप बुक्स वाले की दुकान पे गए होगे मैं आपको बताती हूं अगर आप बुक्स वाले की दुकान पर गए हो ठीक है आपने नई वो पेंसिल की डब्बी ली होगी है ना वो जो पेंसिलों की डब्बी आती है ना तो नई पेंसिल की डब्बी की जो खुशबू होती है ना सेम वैसी खुशबू होती है आइडोफॉर्म की सो दिस इज येलो कलर पीपीटी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करी जाती है एंड इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हंड्रेड है इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात ना क्लियर हुई हो प्लीज बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना क्लियर हुई हो प्लीज बताइए अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं आगे डन <coughs> मैम सारे टेस्ट भी करा दीजिएगा प्लान तो यही है ठीक है प्लान तो यही है कि मैं आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक सेशन लूं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं पीओसी का एक सेशन आपके साथ ले लूंगी आई विल भी टेकिंग जैसे जैसे टाइम बचता जाएगा जैसे अभी आज मेरी क्लास है उसके बाद निशान सर की क्लास है अभी आगे के लिए हमने सारा कुछ प्लान कर रखा है तो थर्टी तक का तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा कि हम क्या क्या करने वाले हैं फिर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का जो प्लान है वो भी मैं आपके साथ बड़ी जल्दी शेयर कर लूंगी ठीक है सुपर 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 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया फसाने को आप यहां पर फंस सकते हैं कि आपको लगता है कि ये होना चाहिए मगर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है डन तो चौदह नेम रिएक्शंस हमने आज कंप्लीट कर लिए आज की क्लास की पंद्रहवीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं आपको बताती हूं मतलब वैसे तो ये जेई एडवांस में पूछी जाती थी है ना मतलब बट रिसेंटली दो तीन साल से इन्होंने मेन में, में पूछना शुरू कर दिया है इसको बोलते हैं पिनाकोल पी आई डबल एन ए सी ओ एल ई पिनाकोलोन पी आई डबल एन ए सी ओ एल ओ एन पिनाकोल -E, पिनाकोलोन पिनाकोल, रीअरेंजमेंट याद आया थोड़ा सा किसी को हिंट मिल रहा है कि पिनाकोल, पिनाकोल में एक्चुअली होता क्या है कैसे ये रिएक्शन करते हैं विद में आपको सिखाना चाहूंगी ध्यान से देखिए बच्चे मान लो कभी भी मेरे पास इस तरीके का मॉलिक्यूल है ठीक है कि एडजस्टिंग कार्बन पर मैंने दो ओएच लगा रखे हैं इस तरीके को इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं पिनाकोल अब ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है दीज आर ग्रुप्स कैन बी डिफरेंट डिफरेंट आल्सो सेम नहीं होने चाहिए सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकता है इसको बोलते हैं पिनाकोल अब सोचो अगर मैंने इसके अंदर एसिडिक मीडियम लिया देखो आपके दिमाग में आपको क्वेश्चन में क्या पर रखना है कि दो कार्बन है बाजू बाजू में ओ एच ओ एच लगे हुए हैं और मीडियम एसिडिक दे रखा है और हीट दे रखा है सिर्फ इतना ही दे रखा होगा मीडियम एसिडिक है और हीट है रट्टा नहीं मारना तो आपको पता है कि मैम जो एल्कोहल है वो जैसे ही एच प्लस को देखेगा उसके प्यार में पागल हो जाएगा तो जैसे ही एल्कोहल उसके प्यार में पागल हुआ ये बन गया ओ एच टू पॉजिटिव ये ओ OH एच है ये आर 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 इतना सबको चमक जाएगा पेपर में कि एल्कोहल और एच पॉजिटिव जैसे ही दिखाई दे वो पागल हो जाएगा एल्कोहल एच प्लस के लिए ये पानी की फॉर्म में निकल जाएगा मेरे पास क्या बन गया देखना आर आर यहां पर ओ एच आर और यहां पर आर और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या ये बात सही है मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब मैंने देखा कि मैम ये देखो दिमाग लगाना देखो रट्टा नहीं मारना तुमने देखा मैम ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है क्या है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो कि कतई स्टेबल है मगर फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्यों क्योंकि इस कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इस कार्बोकेटाइन में अभी तक केवल सिक्स इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में तो हमने कहा मैम ऐसा तो देखो गलत बात है क्यों ना आप बाजू वाले के एक कार्बन को माइग्रेट करा दें बाजू वाले का एक कार्बन जो है वो यहां पे माइग्रेट कर गया तो जैसे ही ये कार्बन माइग्रेट किया मेरे पास बन गया ध्यान से देखना कई बच्चे यहां पे रोना शुरू कर देते हैं मैम आपने देखना एक टर्शरी कार्बोकोट को तोड़ के ना कार्बन पे पॉजिटिव चिपका दिया और वो भी ओ OH एच के बाजू में मैम ओ तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये तो आपने मतलब खून कर दिया है ना जेल में डाल देना चाहिए बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना इसको मैं ना सिक्सटीन पेज पे लिखना चाहूंगी ध्यान से देखो कार्बन कार्बन और इस कार्बन पे पॉजिटिव ठीक है और यहां पर ऑक्सीजन लगा दो ओ OH. एच और अगर मैंने लगाया कार्बन ओ और सी पे पॉजिटिव और अब मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोविटाइन कौन सा है ए या बी ये छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनिक में क्लियर कर लो ठीक है ऑर्गेनिक एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है यू टेक केयर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिग थिंग्स विल अल्टीमेटली फॉल इन प्लेस तुम छोटी 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 चीजों का टेक केयर करो बड़ी बड़ी चीजें आराम से हो जाएंगी ये देखो यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव बाजू वाले कार्बन से जुड़ा है ठीक है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है मगर ये जुड़ा है ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कुछ भी करेगा मगर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा यानी कि ये अनस्टेबल हो जाएगा सही है मगर ध्यान से देखो अगर कार्बन के जस्ट बाजू में जिस कार्बन पे पॉजिटिव है अगर उसके जस्ट बाजू में ऑक्सीजन आ गया ना भैया मतलब तुम कुछ कर लो इसकी मम्मी इसको ना रहने नहीं देगी और कहेगी चुपचाप अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आ सपोज करो ठीक है ये एक बहुत ही गंद शैतान बच्चा है इतना कदे गंदा शैतान बच्चा है ठीक है बहुत चंट है इसने जिद करी कि मम्मा मुझे पिज्जा खाना है क्या खाना है पिज्जा बहुत शैतान है किसी की नहीं सुनता ऐसे सड़कों पे लेट लेट के नहीं मैं अपने बेटे की बात नहीं करी वो ऐसा नहीं है ठीक है ये बहुत शैतान है इतना लेट लेट करके रोता है कि नहीं मम्मी मेरे को तो यही चाहिए यही चाहिए जिद्दी है और ये इसकी मम्मी तो इसकी मम्मी इसकी सारी बातें मानती है चलेगा मगर अगर इनके घर में कोई एक भिखारी आता है ठीक है वो कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है तो भैया ये कितना भी चंट क्यों ना हो इसकी मम्मी कहेगी कि पिज्जा इसको देकर आ क्योंकि मैं किसी को भूखा सोने नहीं दूंगी माँ का दिल माँ का ही होता है वो अपने बच्चे के लिए भी और है ना किसी और के बच्चे के लिए भी माँ का दिल माँ का ही होता है तो वो अपने बच्चे का पिज्जा भी लेके उसको देने के लिए तैयार है क्यों क्योंकि ये बच्चा आज रात को भूखा नहीं सोना चाहिए तो इस ऑक्सीजन को ना चाहते हुए भी समझ रहे हो थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने इस ऑक्सीजन को ना चाहते हुए भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देने पड़ेंगे बिकॉज ऐसा करने से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा भले ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों ना आए सो तो यह बहुत ही स्टेबल सिचुएशन मानी जाती है सेम इसी चीज को मैंने यहां पर लगाया कि अब कार्बन के बाजू में ओ OH एच है जो कि बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर माना जाएगा क्यों क्योंकि वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे सकता है तो जैसे ही इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए मेरे पास क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव सी आर 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 यहां से एच प्लस निकल जाएगा क्या बन गया आर सी ओ सी आर थ्री क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई एंड दिस इज वॉट इज नोन एज देखो आर सी ओ सी आर थ्री दिस इज वॉट इज नोन एज पिना कोलोन पी आई डबल एन ए सी ओ एलोवेन सो द रिएक्शन इज नोन एज पिना कोलोन रीअरेंजमेंट इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा इसके एडवांस लेवल के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कि फाइव मेंबर सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो गई है ना कि शिफ्टिंग किसकी होनी चाहिए आपके जेई मेन में आएगा तो सिंपल सवाल आएगा उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके जेई मेन में जब भी सवाल आएगा पिनाकोल पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट से तो सिंपल सवाल आएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डन मैम मैम कह रही हूँ बच्चे मुझे एक सेकंड का टाइम दो आई बी बैक जस्ट एक सेकंड ठीक है इतने ये नोट डाउन करो मैं आती हूँ जी बच्चे क्लियर है पिनाकोल कोल पिना रीअरेंजमेंट एक बार मुझे बताइए वेदर यहां तक सारी कहानी क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं वन सेकेंड मी चेक ठीक है डन चलिए सो यहाँ तक की बच्चे सारी की सारी कहानी जो है हमारी क्लियर हो चुकी है अब हम एक अगली नेम रिएक्शन देखो पंद्रह नेम रिएक्शंस तसल्ली से मैंने तुम्हें करा दिए एक पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है अब मैं एक अगली नेम रिएक्शन की बात करती हूँ ठीक है लेट अस टॉक अबाउट द सेवनटींथ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेवनटींथ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन जो मैंने अभी क्लास की शुरुआत में कराया था ना हॉफमैन अबोनोलिस उसी का ही एक कंटिन्यूएशन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन ध्यान से देखना हॉफमैन ई एक्स एच ए यू एस आई एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन शायद आपको नाम से ये चीज पेपर में ना पूछी जाए मगर इसका सवाल पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है सपोज करो बच्चे मैंने ले लिया ठीक है मैंने यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर ये दो ग्रुप्स ठीक है मैंने यहां पर एक नाइट्रोजन ले लिया फाइव मेंबर रिंग है और दो मेरे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ध्यान से देखिएगा इसके अंदर बच्चे सबसे पहले मैंने डाला सी एच थ्री आई सपोज करो मैंने क्या डाल दिया गया था कि नाइट्रोजन पे जब भी आ, लोन पेयर है वो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा आई माइनस निकलेगा क्या ये बात सही है तो अब ध्यान से देखो क्या मेरा शकल कुछ इस तरीके का बन चुका है यहां पर एक बार सी एच थ्री आएगा ठीक है क्योंकि मैंने एक्सेस में डाला था तो मैंने डाल दिया एक और सी एच थ्री आई ये इस पर अटैक करेगा ये यहाँ जाएगा मतलब मेरे पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा पहले बताओ क्या ये चीज ठीक है इसको तो मैंने हॉफ मैन अमोनोलिसिस करवाया दिस इज क्लियर यहां पर मैंने क्या कराया हॉफ मैन अमोनोलिसिस पहली बात बताओ क्या ये चीज सबको अच्छे से समझ आई हॉफ मैन अमोनोलिसिस जो हमने कराया ये ठीक है अब मैंने क्या करना है ध्यान से देखना बच्चे जिस का अच्छा पहले मैंने डाला सी एच सी आई इसके अंदर मैं डाल रही हूं ए जी टू ओ सपोज करो इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूं मैंने बेस डाल दिया या तो मैंने ए जी टू ओ डाल दिया या फिर मेरी मर्जी मैंने ओ एच माइनस डाल दिया है ना मैंने क्या डाल दिया बेस अब ध्यान से देखना होगा क्या बच्चे जिस का नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है ध्यान से देखना नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन एल्फा कहलाएगा नाइट्रोजन के बाजू वाला ये हमारा एल्फा कार्बन इसके बाजू वाला ये बीटा कार्बन इसके बाजू वाला ये बीटा कार्बन तो नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन एल्फा एल्फा के बाजू वाला कार्बन बीटा तो क्या आप सबसे पहले एल्फा बीटा कार्बन को निहार सकते हैं क्या आप सबसे पहले एल्फा बीटा कार्बन को निहार सकते हैं देखो मैंने मैकेनिज्म के साथ साथ ट्रिक भी सिखा रही हूं मैं ध्यान से देखना नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन क्या एल्फा एल्फा के बाजू वाला कार्बन क्या बीटा नाइट्रोजन के बाजू वाला कार्बन क्या एल्फा एल्फा के बाजू वाला बीटा वो ये भी हो सकता है वो ये भी हो सकता है अब आपको हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन करानी है एलिमिनेशन का मतलब मुझे कुछ के सिग्मा बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है मैंने कुछ के सिग्मा बॉन्ड तोड़ के क्या करना है डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है ये बात सही है अब मैं देखो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कैसे करूंगी एल्फा और नाइट्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है मुझे वो ब्रेक करना है ध्यान से देखो alpha और नाइट्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, है तो मैं एक साइड सिखा रही हूं एल्फा और नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है ठीक है और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एल्फा और बीटा के बीच के पाई बॉन्ड बनाएंगे क्या करना है एल्फा और बीटा के बीच का पाई बॉन्ड बनाना है तो मैंने क्या किया मैंने कहा इसको ब्रेक करो यहां पाई बॉन्ड बनाओ इसको ब्रेक करो यहां पाई बॉन्ड बनाओ तो मेरे पास पता है किस तरीके का कंपाउंड आ गया ऐसा ऐसा और नाइट्रोजन पे एक सी एच सी है समझ लो मेरे पास नाइट्रोजन पे एक और सी एच सी है और मेरे पास नाइट्रोजन पे एक तीसरा ये यह जो यहां से निकलेगा एक और सी एच सी आ गया अब मुझे बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है मैंने क्या करना है मैंने नाइट्रो मैंने वापिस सुन लो मैंने एल्फा और नाइट्रोजन एल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है और एल्फा और बीटा के पाई बॉन्ड को बनाना है इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन है कि मैम ये आपने जो भी तिगड़बाजी करी कैसे करी ये सामने देखो मेरे पास कुछ ऐसा सा था मेरे पास कुछ ऐसा सा था नाइट्रोजन यहाँ पर दो मिथाइल हैं एक यहां एक यहां ध्यान से देखो यहां पर एल, ये अल्फा ये बीटा ये बीटा है ना अब ध्यान से देखो एक बेस आएगा ओ एच माइनस बेस आएगा ओ एच माइनस कार्बन के हाइड्रोजन को चक के ले जाएगा ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या ये बात समझ आई ये पाई बॉन्ड इधर आ गया बॉन्ड टूट गया तो अब बना क्या ध्यान से देखना ये ऐसा ये ऐसा और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर अभी भी ये है ये नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन पे देखो अब हमारे पास एक लोन पेयर आ गया ध्यान से देखना पे 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 नाइट्रोजन पे लोन पे। अभी भी रिएक्शन रिएक्शन आगे आगे होगी होगी क्योंकि मैंने CH3I डाला था याद है ना एक साइड तो अब ये पता क्या ले जाएगा ये इधर आया ये इधर आया ये नाइट्रोजन चला गया तो आई थिंक आपको नजर आ गया कि ओवरऑल इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा सुपर 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 है जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी ये एडवांस में काफी साल पहले सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके आकाश अच्छा, सिंह बच्चे तीसरा सी एस टी कैसे आया आपको ये क्लियर हो गया देखो ये यहां पर नहीं समझ आया था ना तभी मैंने यहाँ पे हटा दिया मैंने अभी लिखा था कि नाइट्रोजन पे तीन सी एस टी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि तीसरा कहां से आया मैंने कहा कोई बात नहीं घबराओ मत पहले हमने ये लिया अब देखो जब भी मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन करती हूं मुझे लेस हिंडर्ड एच आई एन डी आर ई डी मुझे लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हटाना है मुझे किसको हटाना है लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन अब बीटा ये भी है बीटा ये भी है तो मैं प्राइमरी वाला जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो जब ये हटाया ये डबल बॉन्ड बना नाइट्रोजन ऐसे बन गया अभी भी नाइट्रोजन अमोनियम सॉल्ट नहीं है पहले मुझे नाइट्रोजन को क्या बनाना है अमोनियम अमोनियम सॉल्ट सॉल्ट तो CH3 डाला CH3 डाला बनाया दोबारा से रिएक्शन करी इसीलिए मेरे पास नाइट्रोजन पे तीन अल्काइल ग्रुप आ गए क्या ये बात क्लियर है सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जेई एडवांस -E में कुछ साल पहले पूछा गया था ये जेई एडवांस -E का पीवाई क्यू है बस मैंने इसको थियोरी की फॉर्म में आपको सिखाया तो शॉर्टकट क्लियर है शॉर्टकट क्या है कि आपको पहले नाइट्रोजन को अमोनियम मेरी बात ध्यान से सुनो लिख लो शॉर्टकट क्या है मुझे पहले नाइट्रोजन को अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है अगर मैंने कहीं देखा कि क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट के ऊपर बेस डाला या फिर ए डाला और गर्म किया एलिमिनेशन करनी है हीट दे रखा है ठीक है या एन डाल दिया एजी डाल दिया तो जो लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन को निकालो और शॉर्ट में बोलो अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दो को और अल्फा अल्फा और और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दो सिंगल बॉन्ड को तोड़ो और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो काम खत्म बस इतना ही याद रखना है अगर जेई मेन में, में अमोनोलिसिस का क्वेश्चन आया तो आपका आंसर बन जाएगा ठीक है और इसी को ही हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं अभी क्लास की शुरुआत में कहा था ना एक होता है, है so क्लियर हुई? हुई ठीक है डन है अच्छा कल को कोई कोई कहे कि मैम अगर ए जी टू ओ नहीं दे रखा कोई बात नहीं ए जी ओ एच दे रखा होगा मतलब मुझे कोई भी बेस चाहिए मुझे क्या चाहिए कोई भी बेस चाहिए आप एजी ओ एच ले लो तो भी चलेगा ठीक है डन है क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज शॉर्ट में पूछ लो हमें कोई दिक्कत नहीं है मैं बता दूंगी ठीक है डन 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 चलो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे अस सी कौन सा अच्छा बच्चा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर करके देता है अठारवा क्वेश्चन आज की नेम रिएक्शन के बेस पर अस टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड टेल मी द आंसर ठीक है मैंने कुछ ऐसा सा क्वेश्चन दे दिया डन इसके अंदर सी एच थ्री आई में डालें, लास्ट में एनओ एच मुझे मुझे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आपको कुछ नहीं करना बस मुझे ये product of reaction क्या है रटना नहीं है रटना नहीं है सोच समझ के आंसर करिए रटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लेस हिंडर्ड कार्बन का मतलब होता है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा हो और एल्काइल ग्रुप कम हो मान लो मेरे पास ये कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन और एक सी एच थ्री है मेरे पास एक और कार्बन है जिसपे तीन सी एच थ्री मुझे एक कार्बन को मैंने व्हाइट सर्कल कर लिया एक कार्बन को लाल सर्कल कर लिया इसमें से लेस हिंडर्ड कौन सा है जिसके पास ज्यादा बल्की ग्रुप होते हैं इसको बोलते हैं मोर हिंडर्ड मतलब ज्यादा हिंड्रेंस है जिसके पास छोटे छोटे ग्रुप है इसको बोलते हैं लेस हिंडर्ड Done? देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया जैसे ही मैम मुझे नाइट्रोजन के ऊपर एच अमीन दिखा और सी एच थ्री आई दिखा आपको चमक गया होगा पहले बताओ हैश टैग ये चमका कि मैम यहां पर अमोनोलिसिस करानी है हॉफमैन अमोनोलिसिस तो मेरे को कुछ नहीं करना जब मैं अमोनोलिसिस कराऊंगी एक सी एच थ्री यहां आ जाएगा गए पहले एक साइड पे तो मुझे क्या करना है पहले एल्फा और बीटा लिख लेना एल्फा बीटा के बॉन्ड को डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो एल्फा नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो दूसरी साइड पे परिस कराओ अब यहां पर एक और सी एच थ्री पॉजिटिव जोड़ेंगे फिर ये एल्फा बीटा एल्फा बीटा के बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दो और एल्फा वाला बॉन्ड तोड़ दो तो मेरे पास बन गया एन सी एच थ्री यहां पर हमेशा टर्शरी अमोनिया मतलब टर्शरी अमोनिया आएगा क्योंकि ये एच भी पहले हटेगा इसको CHC में कन्वर्ट करेंगे यहां पर हमेशा टर्शरी कोई नहीं पूछेगा टर्शरी मीन आ रहा है या क्या आ रहा है आपको बस मेन प्रोडक्ट बनाना है मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा ठीक है कार्बन के दो ऐसे मतलब ऑक्सीजन के ऊपर दो ऐसे हाथ जोम्बी टाइप स्ट्रक्चर क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है जो लेस हिंडर्ड कार्बन होगा उसी पे पहले अप्रोच करोगे वो ज्यादा अच्छी रिएक्शन मानी जाएगी डन मैं आज लिख कर दे सकती हूं कि आज वाली क्लास में हम इतने तगड़े कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं कि जिस बच्चे ने आज वाली क्लास को शिद्दत से देखा शिद्दत से निभाया बच्चे आपके कम से कम आठ नंबर मैं मतलब एक वो कहते हैं ना मिनिमम मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता तुम्हारा पेपर बहुत ही बुरा आता है तब भी कम से कम आठ नंबर आज की क्लास में तुम्हारे श्योर हो जाएंगे जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है ना आज की क्लास में कॉन्फिडेंस तुम्हें आके रहेगा मतलब इतने सारे करेंगे मस्त मस्त चीजें अच्छी अच्छी नेम रियक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास की उन्नीसवी नेम रिएक्शन आज की क्लास की है ना उन्नीसवी नेम रिएक्शन ध्यान से देखना बहुत ही प्यारी चीज है मान लो बच्चे मेरे पास एक ठीक है मेरे पास एक कार्बन पे दो सीओ ओ एच हो शॉर्ट में सिखा रही हूं मान लो एक कार्बन पे दो सी ओ ओ एच हो और अगर आप उसको हीट करो एक कार्बन पे दो सी ओ एच है देर इज वन कार्बन एंड यू हैव टू सी ओ एच ऑन द सेम कार्बन अगर आप उसको हीट करोगे यू सिंपली रिमूव वन सी टू नो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड अंग्रेजी में लिख देती हूं इफ वन कार्बन हैज टू ग्रुप्स अगर एक कार्बन पे दो सीओ एच ग्रुप होते हैं इफ यू हीट द कंपाउंड अगर आप कंपाउंड को हीट करते हैं सिंपली रिमूव वन सीओ टू सिंपली रिमूव वन सीओ टू जेई मेन में पूछा गया सवाल है इस नेम रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन नेम रिएक्शन का नाम क्या है डी कार्बोक्सिलेशन जेई मेन में पूछा गया सवाल आज की क्लास का बीसवा एग्जाम्पल पॉइंट ध्यान से देखेंगे सपोज करो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है यहां सी ओ एच है यहां सी ओ एच है और मैंने कहा इसको गर्म करो यहां मैंने सिंपली कह दिया इसको गर्म करो आपका एंड रिजल्ट देखो एक कार्बन आपको चमकना क्या चाहिए हैश टैग चमका और जिन जिन को चमक जाएगा ना कॉन्सेप्ट मुझे प्लीज एक बार हैश टैग चमका फ्लड हो जाना चाहिए आई आई दिस थिंग टू हैपन बिकॉज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर बच्चे के साथ शेयर करो ये क्वेश्चन मेन में पूछा गया बस बच्चे को ना कॉन्सेप्ट पता नहीं होता वो आंसर नहीं मांग करके आएगा इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है दिखना चमका कैसे एक कार्बन दो सीओ एच हीट करना है कुछ नहीं मैम ने कहा था एक सीओ टू हटा देना दिस इज योर फाइनल आंसर किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए डन चमका वेरी गुड चैच्स में थोड़े से हार्ड्स आ जाने चाहिए येलो और व्हाइट कलर के बीस कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास का इक्कीस हुआ देख रहे हो मैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ सबके मिक्स टॉपिक्स तुमको करा रही हूँ ऐसा नहीं है कि खाली इलेवंथ कर रहे हैं खाली ट्वेल्थ कर रहे हैं सारे मिक्स टॉपिक्स कर रहे हैं बिकॉज इन्हीं से सवाल आएगा मैं ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहती ये दस रिएक्शन करा दिया बच्चा खुश नहीं जिसमें से पेपर आना है जिस लेवल का पेपर आना है वो सारी चीजें तुमको करा रही हूँ ठीक है ध्यान से देखिए <coughs> एक रिएक्शन स्पेलिंग नहीं आती ठीक है स्पेलिंग लिटरली नहीं आती वो ये कई बार तो मुझे लहसन की तरह स्पेलिंग लगती है ठीक है और एक एक बार ना हम फाइव स्टार होटल में रुके थे वहाँ पे एक नई चीज़ खाने को मिली उसको बोलते हैं लजानिया वैसे लजानिया नॉन वेज होता है ठीक है मगर आजकल उसका वेज वर्जन भी आया हुआ है तो कई बार मैं जब टेस्ट का नाम लिखती हूँ तो मुझे वो लजानिया याद आता है बहुत सही होता है कभी खा के देखना आजकल मतलब नॉर्मली भी मिल जाता है ना तो उसमें क्या होता है ना नीचे पास्ता वास्ता होता है ऊपर बड़ी सारी चीज डाल देते हैं ऐसे डब्बे में बॉल में ला के देते हैं भाई साहब बहुत टेस्टी बनता है तो अच्छा मुझे याद आ गया नेक्स्ट मेरे चैनल पे शॉर्ट्स आएगा लजानिया का ठीक है ट्राई करके देखूंगी सो so, मैं बात कर रही हूं बच्चे टेस्ट की स्पेलिंग डबल ए आई डबल ए आई जी यानी तुक्का है मुझे नहीं आती तुक्का है प्योर तुक्का टेस्ट आप इसको लजानिया टेस्ट बोल दो लसन टेस्ट बोल दो इट इज टोटली टू यू ये टेस्ट किस काम आता है

तो मान लो कार, कंपाउंड के अंदर कार्बन तो है ही क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम डाल के इसको फ्यूज करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड लेते हैं सोडियम डालते एकदम गर्म करते हैं ताकि रेड हॉट हो जाए फिर एक पेट्री डिश में एक कटोरी में पानी भर लेते हैं और ये गरम गरम टेस्ट ट्यूब आप पानी में डाल देते हो आई एम श्योर आपने स्कूल में भी किया होगा ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जितना भी नाइट्रोजन होगा इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन याद है कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन अब मैं पहले एनए एन की क्लास वैसे करा रही हूँ नहीं तो मतलब एनए एक्स एन ए टू एक्स इन सबके भी होते हैं ठीक है मगर वो नहीं कर रहे पहले हम एन की बात कर रहे हैं ध्यान से देखो अब ये जो आपका एनए सी एन एक्व बन गया इसके अंदर मैं डालूंगी फेरस सल्फेट का एक्व सोल्यूशन है ना एफ ई एसओ का एक्व सोल्यूशन मैंने डाल दिया तो ये जो एफ है इस पर प्लस टू चार्ज है ये दो सीएन यहां पर आके चिपकेंगे क्या बनाएंगे एफ ई सी एन टू का एक्वर सोल्यूशन अब कल को ये क्वेश्चन आएगा बच्चा कहेगा इनऑर्गेनिक का है. तो ये तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मिक्स क्वेश्चन है ना ठीक है क्योंकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी एन माइनस एक्सेस में दे रखा है सी एन माइनस किस में दे रखा है एक्सेस में तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा एन ए फोर एन ए फोर एफ ई सी एन सिक्स क्योंकि मुझे CN- एक्सेस में दे रखा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na4Fe(CN)6 फिर आपकी टीचर ने कहा होगा कि बच्चे इसके अंदर चुटकी भर है ना FeSO4 डालो और H2SO4 डालो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉप बाय ड्रॉप याद है तो मतलब मान लो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम करना होता है मीडियम एसिडिक जैसे मैंने आपको कहा स्कूल में टीचर कहती है कि चुटकी भर FeSO4 डाल दो ठीक है और H, H H2SO4 डालो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम रखना है तो अगर ओवरऑल मैंने Fe3+ डाला मेरे पास रिएक्शन बनेगी एफर एफ होल थ्राइस और ये वही कंपाउंड है जिसका प्रशियन ब्लू कलर होता है सो दिस इज द कंपाउंड व्हिच इज़ हैविंग प्रशियन ब्लू कलर Fe4 एफ सी एन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो एफर एफ सिक्स राइस फेरिक फेरोसाइनाइट जिसका प्रशियन ब्लू कलर होता है डन ठीक है डन है डन क्लियर है क्लियर 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 ये इसका मैं एफ थ्री प्लस का ब्लू कलर नहीं बोल रही एफ ई फोर एफ सिक्स होल्थ राइस पूरे कंपाउंड का प्रशियन ब्लू कलर होता है अब ये पूरी की पूरी चीज इसलिए कराई क्योंकि ये जेई मेन में, में रिसेंटली पूछा गया है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने सोचा कि करा दो फिर ऐसा ना हो कि मैम हमने तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करी नहीं थी जबकि आपके स्कूल में भी सिखाया जाता है मान लो आपने जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया उसके अंदर सल्फर था तो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सल्फर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एन में अगर मेरे पास ये एन है अब Na2S की सपोज करो मैंने रिएक्शन करवाई सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड फॉर्मूला लिखकर बताएं सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड आप सोच रहे हो कि मैम ये नेम रिएक्शन में क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों कराते हो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों करा रहे हो क्योंकि ये नेम रिएक्शन का ही पार्ट माना जाता है ठीक है ऐसा ना हो कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए और तुम कहो नेम रिएक्शन में तो कराया नहीं था इसके अंदर मैं क्या डालूंगी बच्चे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एन ए टू एफ एन फाइव एन याद है एफ ई सी एन फाइव एन ओ एन एन ओ एन ए टू एफ सी एन फाइव एन ओ और जब मैंने इसकी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराई ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एन ए फोर एफ ई सी एन होल फाइव एन ओ एस याद आ गया एन ए फोर एफ ई सी एन फाइव एन ओ एस जो कि पर्पल कलर का होता है जो कि पर्पल कलर का होता है तो ये बात भी याद आ गई कि वो जो सल्फर था वो एनओ के साथ एनओ एस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्या ये बात सबको सही है ठीक है अच्छा इसको बैलेंस भी कर लेते हैं एन ए टू एफ ई सी एन फाइव एनओ बाद में बन जाएगा एन ए फोर एफ ई सी एन फाइव एनओ एस जो कि डार्क पर्पल कलर का होता है क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई एनी प्रॉब्लम टिल हियर तो प्लीज पूछिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए डन वेरी गुड यहां पर एनओ का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होता है ठीक है मैम हम तो टेंथ से स्कूल ही नहीं गए कोरोना बैच है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है ना जो कोरोना में पले बड़े बच्चे हैं जिन्होंने स्कूलिंग घर पे बैठ के करी है कोई दिक्कत नहीं है तुमने स्कूल में नहीं किया होगा एक बार जब ये खत्म हो जाए ना जेई मेन का पेपर तो फिर आराम से यूट्यूब पे बैठ के खूब सारी वीडियोस देखना कि कैसे टेस्ट किए जाते हैं तब देखना अभी नहीं चिल मारो कुछ इतना अच्छा है भी नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा पर्पल कलर बने बनेगी मन कर गया वाह इस कलर की ड्रेस होनी चाहिए इतना भी कुछ अच्छा नहीं होता डन है लसांजे टेस्ट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको करा दिए आज की क्लास का तेईसवी नेम रिएक्शन क्या आप बच्चे हैव यू गाइज हर्ड अबाउट है ना हैव यू गाइज हर्ड अबाउट ग्रूव प्रोसेस जी ये है ये हमारे पेपर में है इसको हम ल्यूका टेस्ट बोलते हैं या फिर जी आर डब्लो वीई ग्रूव प्रोसेस ये ना देखो ये ऐसी नेम रिएक्शन या ऐसे नाम के टेस्ट हैं जिनका शायद नाम इतना मशहूर नहीं है मगर इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रोसेस या लुकास क्या होता है? आपको कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल डालना है जेड एन सी एल टू की प्रेजेंस में याद है अगर मेरे पास टर्शरी एल्कोहल होता है तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल और जेड एन सी एल टू डाला तो टर्शरी एल्काइल क्लोराइड का दे, दे जा है दे देता है बहुत जल्दी है ना इमीजिएटली आपको ये जई मेन 2023 में पूछा गया है 2023 का सवाल है इमीजिएटली अगर टर्सरी एल्कोहल है इमीजिएटली प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो 5 से दस मिनट के बाद आपको एल्कोहल मिलेगा अगर मतलब का प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो बच्चे ये तब तक प्रेसिपिटेट नहीं देता, जब तक आप उसको काफी देर के लिए हीट ना करें गर्म करने पे ही प्रेसिपिटेट मिलेगा जईमे मेन 2023 में यही का यही सवाल पूछा गया था अ कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल एंड जेड गिव्स प्रेसिपिटेटली प्रेसिपिटेट इमीजिएटली ठीक है और दिस कंपाउंड ए का मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सारा सवाल पूछा गया था अब बच्चा स्टार्ट कैसे करे वो क्लिक तो करना चाहिए ना चमकना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड एच एल जेड एन टू मतलब तो अल्कोहल, प्रेसिपिटेट देगा सेकेंडरी पांच से दस मिनट में देगा और प्राइमरी बिना गर्म करे प्रेसिपिटेट नहीं देगा क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई क्या ये चीज सबको अच्छे से क्लियर है डन अगली नेम रिएक्शन करते हैं आज की क्लास की चौबीसवीं नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं आइसो साइनाइड टेस्ट इस पर बच्चे बड़े बड़े बड़े, बड़े 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 स्टार्स चिपका लें सुपर 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 इम्पॉर्टेंट है आइसो साइनाइड टेस्ट दिस इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन में मान लो मेरे पास आर एन एच टू है आपने देखा होगा मैंने पहले भी नेम रिएक्शंस की क्लासेस ली है ठीक है वहाँ पर मैंने वुड्स रिएक्शन कॉरे हाउस सिंथेस ये वो बहुत कुछ बहुत सारी सिखाई हैं देन इस बार जब मुझे नेम आपको करानी थी ना, मैंने मैंने पिछली वाली अपनी वीडियोस देखी कि मैंने ऐसा क्या कराया था जिससे बच्चों को फायदा हुआ हो तो मैं अभी भी कराऊंगी। मैंने आपके सारे के सारे पी वाई की उठा के के उठा देखे कि, कि किस तरीके से ऐसी रिएक्शंस जो शायद सो कॉल्ड नेम रिएक्शन का पार्ट नहीं है मगर इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए हैं तो आज वो सारी भी एडिशन मैंने इसकी आज की क्लास में करी है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर इसको हम कार्बाइल सी आर बी एल कार्बाइल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं क्या है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन मैंने प्राइमरी अमीन ले लिया इसके अंदर बच्चे मैंने डाला क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वे आपको रिएजेंट चमकना चाहिए हैश टैग चमका बस रिएजेंट यू डोंट हैव टू डू द मैकेनिज्म जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूं सिर्फ उतना ही याद रखेंगे मिकैनिज्म यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है यहां पर बनता है बच्चे आइसोसाइनाइड आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी एन पे पॉजिटिव सी पे माइनस आइसोसाइनाइड जो कि बहुत ही गंदी आइसोसाइनाइड जो कि बहुत ही पी एन जी एन टी पंजेंट स्मेल देता है बस इतना ही याद रखना है मैंने लिया आर एन एच टू यानी कि प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन में मैंने डाला क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस के ओ एच और मेरे पास बहुत ही गंदी फाउल स्मेल आर एन सी बनेगी विच इज पंजेंट स्मेल दैट इज वॉट इज नोन एज आइसोसाइनाइट टेस्ट या फिर कार्बाइल अमीन रिएक्शन याद रखेगा ये आइसोसाइनाइट टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन ही देते हैं बाकी और कोई कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं देगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज क्लियर टू एवरी वन डन <coughs> पहले बताओ क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर है कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछो नहीं तो हम आगे करते हैं ठीक है नहीं तो हम क्या करते हैं आगे डन है चलिए मैम मैं, मैं राजकोट से हूँ प्लीज़ गुजराती बोल दो आप केमिस्ट्री से आपसे केमिस्ट्री पढ़ता हूँ गुजराती बोल दो देखो मेरे को हाँ मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुजराती आती नहीं है बहुत फ्लुएंट नहीं हूं अभी भी ग्रामर में खराबी है मेरा बेटा है ना वो अभी तीन साल का भी नहीं हुआ बट उसकी गुजराती एकदम प्रो है वो पूरा दिन अपने दादा दादी के साथ रहता है और एकदम मस्त गुजराती बोलता है मैं अभी कल ना मतलब मैं बताती हूँ है ना हमारी एक नानी है वो काफ़ी बीमार है तो कल हम उन लोगों से उनसे मिलने गए अब जो मतलब समझ रहे हो जो छोटे मतलब हम लोगों की एज ग्रुप के लोग हैं या जैसे मम्मी और ही हो गए इतने ये देखो मेरी हिंदी गुजराती समझ जाते हैं मगर जो बड़े लोग हैं ना जैसे दादी नानी वो लोग ऐसे हिंदी नहीं समझते तो कल मैं वहां उनसे मिलने गई मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या बात करूं ग्रामर ही नहीं ठीक हो रही थी तो मैं क्या गुजराती बोलू तुम फिर मेरी बेस्ती करोगे ठीक है चलो तो आइसोसाइनाइट टेस्ट जिसको कार्बाइल रिएक्शन बोलते हैं ये आपने कर लिया अब इस पूरी कहानी का एक जड़ ये है कि आपसे वो ये पूछेगा कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इन कार्बाइल अमीन रिएक्शन जेई मेन का सवाल है कार्बाइल अमीन रिएक्शन की इंटरमीडिएट बताओ तो मैं आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग बताती हूँ बच्चे हम लेते हैं क्लोरोफॉम सी एच सी एल थ्री इसके अंदर मैं डालूँगी एक्वस के ओएच पहले एक्वस के ओ एच इस एसिडिक प्रोटॉन को लेकर आ जाएगा मेरे पास बनेगा देखो C पे माइनस सी एल सी एल सी एल ठीक है फिर ये क्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा मेरे पास बन जाएगा C पे है ना मेरे पास बन जाएगा C के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लोन पेयर नहीं है दिस इज नॉट लोन पेयर इनको मैं अलग अलग लिखना पसंद करूंगी और दो क्लोरीन इसको बोलते हैं डाई क्लोरोबीन क्या बोलेंगे डाई क्लोरो कार्बीन जिसका नाम होता है डी सी सी दिस इज द इंटरमीडिएट इसके पास एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज वाई इट इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल इस पूरी स्लाइड से और इस पूरी स्लाइड से एक चार नंबर का क्वेश्चन आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कंपलसरी है इससे ज्यादा आपसे टेस्ट टेस्ट या टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यहां तक हो गया। 24, चुके आशी क्लास का मैंने डाला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एफी या फिर मैंने डाला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री आप जानते हैं कि बेंजीन पर एक क्लोरीन आ जाएगा द रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन रिएक्शन क्या कहलाएगी हैलोजिनेशन रिएक्शन अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कल को है ना दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेम रिएक्शन कल को मैंने सी एच थ्री ले लिया इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप ये देखेंगे कि मैम मिथाइल जो है ना वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है मतलब प्लस एच इफेक्ट है तो या तो ये ऑर्थो पे या पोजीशन पे क्लोरीन आएगा तो आप या, तो या तो आप क्लोरीन को यहां चिपकाएंगे यहाँ क्लोरीन को यहां चिपकाएंगे सही बात है मगर अगर इसी रिएक्शन के अंदर मैंने डाल दिया एन बी एस एन बी एस का नाम होता है एन ब्रोमो सक्सीना लिख लो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड अब एन ब्रोमो सक्सीना को या तो ऐसे लिख कर दे या वो ऐसे भी लिख कर दे सकता है एन बी आर चार कार्बन एटम वाले डायकार्बोक्सिल एसिड को सक्सीनिक एसिड बोलते हैं सक्सीनिक एसिड से सक्सीनिक एनहाइड्राइड सक्सीनामाइड और ये एन ब्रोमो सक्सीना ये बन गया अगर आपने एन ब्रोमो सक्सीनामाइट डाला या एन बी एस डाला ठीक है आपको याद रखना है बच्चे हमेशा हमेशा एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होगी हमेशा हमेशा क्या होगी ए डबल एल वाई एल आई सी एलाइलिक सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन एलाइलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करेंगे कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करेंगे अगर इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में तो भी आप कार्बन के बाजू डबल बॉन्ड के बाजू वाले माय बैड अगर मैंने कार्बन का बाजू वाला बोल दिया हमेशा डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करेंगे ये नेम रिएक्शन तो मैंने एक लिखवाई मगर इसी के अंदर तीन हमने नई नई रिएक्शन स्टडी कर ली नेम रिएक्शन तो बच्चे को यही आती है ना क्लोरिनेशन मैम हेलोजिनेशन एलकाइलेशन एसाइलेशन ये वो नाइट्रेशन सल्फोनेशन ऐसा नहीं है

तो भी बेंजीन पे कुछ नहीं होगा सी एच सब सी को अच्छे से क्लियर हुई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक पूछो अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं विल कंटिन्यू फर्दर पहले यहां तक बताओ क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो प्लीज पूछ लो <coughs> ठीक है चलिए आगे करते हैं स्पीड अप चलो स्पीड भी बढ़ा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाकी मेरे ख्याल से ये स्पीड सही चल रही है बिकॉज इस क्लास का पर्पस ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में उनको बोर्ड पे चिपका दूं ठीक है आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस कि सब चीज़ को बोर्ड पर लिख दूँ बच्चे को आए ना आए है ना अभी जिसने इतनी मेहनत करी दो साल फिर भी नंबर नहीं आ रहे मतलब उसको थोड़ी सी तो स्ट्रैटी uh, में चेंज करना चाहिए so, पूरी स्ट्रैटेजी मैं इस अकॉर्डिंग लेकर चल रही हूँ कि बच्चे का नंबर आना चाहिए आपको ये नहीं कि इस लेक्चर को दोबारा घर बैठ के तीन घंटे पढ़ना पड़े आज जो क्लास में पढ़ रहे हो वो हंड्रेड परसेंट याद हो जाना चाहिए चलिए अगर मैंने मान लो है ना बेनजीन के अंदर क्या डाला कॉन्सेंट्रेटेड एच इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ड्राइक्साइड या फिर आपने डाल दिया एच टू एस टू ओ सेवन या फिर पेपर में लिखा हुआ है ओलियम तो बेंजीन पे क्या बन जाता है सल्फोनिक एसिड एंड द रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन क्या ये सही बात है बेंजीन पे कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर डालो या फिर एच टू टू ओ सेवन डालो या फिर ओलियम लिखा हो तो आपको बेंजीन पे सल्फोनेशन करानी है इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन ये बात सबको अच्छे से क्लियर है किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए डन चलो सल्फोनेशन अगर क्लियर हो गया अब मैं नेक्स्ट बात करती हूं इकतीसवें सब टॉपिक की नाइट्रेशन नाइट्रेशन में क्या होता है आपने बेंजीन लिया बेंजीन में कॉन्सेंट्रेटेड एच टू फोर मेरी बात ध्यान से सुनना कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री डाला तो आप बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप चिपकाते हो दिस इज वॉट यू हैव लर्न टिलेट की कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर और एच एन ओ थ्री लेंगे तो हमारे पास नाइट्रेशन हो जाएगा एम आई राइट दिस इज ना कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर लो अब मैं आपको बताती हूँ कई बार आपको पेपर में थर्टी सेकेंड सवाल बेंजीन में ठीक है वो ये नहीं करेगा एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर डालो वो कहेगा मिक्सचर ऑफ एसिड डालो तो घबराना नहीं है कि मैम ये मिक्सचर ऑफ एसिड किसिड डालना है कल को मिक्सचर ऑफ एसिड हो तो भी यही कर देना अब मैं एक और चीज बताती हूँ कई बार ये पेपर में आपको फंसाएगा भाई साहब कई बार गंदे तरीके से फंसाएगा कहेगा बेंजीन के अंदर आप डालो

क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो नाइट्रेट है तो रिएक्शन करेगा नहीं वो सीधा जाके अटैक मारेगा एनओ टू पॉजिटिव पे यानी कि बन जाएगा सुपर 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 इंपॉर्टेंट अब मुझे बताओ क्या अगर कल को ये आता है तो आपको पेपर में चमकेगा या नहीं चमकेगा ये तो बच्चे बच्चे को आता है ये कुछ बच्चों को आता है ये सुपर इंपॉर्टेंट है जो आप सब बच्चों को आना चाहिए क्या ये बात ठीक है नाइट्रेशन कर लिया आपको कोई मैकेनिज्म मैकेनिज्मिज्म नहीं करना है ठीक है कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है सामने देखिए अगला आज की क्लास का चौंतीसवां, थर्टी फोर्थ नेम रिएक्शन जिसको हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से जानते हैं दिस नेम रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं एक बेंजीन बेंजीन के अंदर हमने डाला मान लो सी 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 यहाँ पर सी एल इसके अंदर रिएक्शन कराई एन हाइड्रस एल सी एल थ्री से एन हाइड्रस एल सी एल थ्री पहले तो सी एल माइनस को ले जाएगा क्या बनाएगा एल सी एल फोर माइनस और मेरे पास बन जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव अब ये बेंजीन जाके कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और बेंजीन के ऊपर है ना एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा द रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट फ्रिडलेशन रिएक्शन क्या ये बात सही है द रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन रिएक्शन अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ठीक है आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन आज की क्लास का थर्टी फाइव क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है इट्स अ पी वाई क्यू सोच के बताइएगा कि यहां पर आंसर क्या बनेगा टेक योर टाइम दो तीन मेरे पास बेंजीन है टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर जल्दी 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 आंसर क्या आप सब बच्चों को यह समझ आ रहा है कि मैम एनहाइड्र से एल सी एल डालेंगे तो पहले तो ये इस पर अटैक करेगा यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा कोई और आके रिएक्शन करे क्यों ना बेंजीन ही इस पर अटैक कर दे यानी कि मेरे पास रिंग बन जाएगी ठीक है ना एक दो तीन एक दो तीन मेरे पास एक फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी बेंजीन के जस्ट बाजू में ठीक है क्या मैं इसी का दूसरा नाम लिख दूं क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, कैन आई राइट दिस एज वेरी गुड, डन। आज की क्लास का छत्तीसवाइड में कन्वर्ट करना है इन नॉट मोर देन वन प्रोसेस एक ही स्टेप मुझे करनी है बेनजीन को बेनजल में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको याद आ रहा है इसके लिए आपको गेटर मैन कॉच रिएक्शन कराई गई है या गेटर मैन कॉच सिंथेसिस और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि ये सवाल जेई मेन 2023 के पेपर में है मैंने खुद बोर्ड पर यह सवाल डिस्कस किया था मुझे याद है पेपर डिस्कशन के दौरान गेटर मैन कॉच सिंथेसिस में हम लोग क्या डालते हैं एनी एनी आइडिया हम लोग गेटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या डालते हैं जल्दी से बताओ गेटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग क्या डालते हैं ये मैंने अच्छे से मतलब याद दिलाया था देखो गेटरमैन कोच में ना अपने आप ही ये कहता है देखो कोच को के ओ सी एच समझ के सी एच ओ देख रहे हो तो बेंजीन पर सी एच ओ चिपकाने के लिए बेंजीन के गेट पे सी एच ओ चिपकाने के लिए हमने यूज किया गेटरमैन कोच सिंथेसिस इसके अंदर मैं सिंपली यूज करती हूँ सीओ एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्री एल थ्री कोई दिमाग नहीं लगाना कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए सी ओ एच सी एल इन दस ऑफ एन हाइड्री एल थ्री बेनजीन पे आ जाएगा बेनजीहाइट जेई मेन में पूछा गया सवाल है आगे आंसर ठीक है नहीं पता मैम चलो जिनको नहीं पता आज सीखते जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी नहीं पता ओके मगर आज जब क्लास में करा दिया तो ये तो आपको आना चाहिए आगे इस चीज़ की गलती नहीं करनी है ठीक है ना आगे इस चीज़ की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है चलिए एक मस्त चीज सिखाऊंगी आज की क्लास की थर्टी सेवेंथ चीज़ शायद ये नेम रिएक्शन नहीं है मगर ये है डीडीटी का फॉर्मेशन ये है डीडीटी का फॉर्मेशन आपको डीडीटी के स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा बताओ कितने कायरल कार्बन है अब मैम हमको डीडीटी का स्ट्रक्चर ही नहीं आता तो हमको कैसे पता कायरल कार्बन निकालने ठीक है तो अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां आपको यही नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है तो आपको आना चाहिए ना डीडीटी का स्ट्रक्चर में गिवन है टी का स्ट्रक्चर एनसीआर में गिवन है इनकी फॉर्मेशन तक एनसीआरटी में गिवन है सो दीज आर इंपॉर्टेंट सामने देखिए एक कार्बन जिसपे सी एच ओ है और इस कार्बन पे तीन क्लोरीन है ये तो याद रख सकते हो एक कार्बन पे तीन क्लोरीन और बाजू वाले कार्बन पे सी एच ओ एक कार्बन पे सारे लिखेंगे चैच में देखो याद डीडीटी का स्ट्रक्चर याद दिला रही हूँ आज पहली बार सीखोगे मगर कभी भूलोगे नहीं एक कार्बन पे तीन क्लोरीन जैसे सी एच सी एल थ्री था ना क्लोरोफॉर्म भाई डी डी, डी भी तो ऐसा ही है गंदा सा क्लोरोफॉर्म का भाई तो है तो जो सी एच सी एल थ्री था उसके एच को हटा के सी एच ओ लगा दो अब इसकी रिएक्शन कराओ क्लोरोबेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे क्लोरोबेंजीन बना दोगे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे क्लोरोबेंजीन कुछ नहीं करना कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर डालें गरम करें कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर डाल के गरम करेंगे पानी निकलेगा एच ओ एच निकल गया पानी निकाल दोगे क्या मैं स्ट्रक्चर बना दू सी सी एल थ्री एक कार्बन ठीक है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन यहां है एक और क्लोरीन यहां है अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पैरल कार्बन बताओ तो अब आप बता दोगे अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ तो बता दोगे कितने क्लोरीन हैं डीडीटी में तो बता दोगे सो दिस इज द इक्वेशन जहां पर हम डीडीटी की फॉर्मेशन कर रहे हैं कई नेम रिएक्शन दिस इज नॉट एनी नेम रिएक्शन आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन मगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को पूछेगा तो चार नंबर उसी बच्चे के आएंगे जिसको ये आइडिया होगा कि डीडीटी होता क्या है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए एनी वन हैविंग प्रॉब्लम टिल हियर प्लीज आस्क डन रट गया कार्बन जीरो बिल्कुल सही बच्चे इस कार्बन पे दो इस कार्बन पे कोई भी दो ग्रुप तो, मतलब तीनों तीनों के तीनों ग्रुप सेम है तो दिस इज नॉट इस कार्बन पे भी दो ग्रुप सेम है तो दिस इज नॉट इज नो कारल कार्बन इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कोई कार्बन नहीं है डन चलिए अगला थर्टी सेवन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको करा दिए हैं थर्टी एट रिएक्शन करिए इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट ए साइलेशन अभी तक मैंने क्या कराया फ्रिडल क्राफ्ट एल अब हम एक नई चीज़ कर रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट ए साइलेशन ध्यान से देखिए मैंने बेंजीन लिया बेंजीन में मैंने डाला सी एच थ्री सी ओ सी एल है ना क्या डाला मैंने बेंजीन में सी एच थ्री सी ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री आपने कहा मैम बेंजीन पे सी ओ सी एच ट्री लगा दो पहली बात तो यही होती है फ्रिडल क्राफ्ट ए जिन बच्चों को नहीं पता एसाइल ग्रुप का मतलब होता है सी एच थ्री सी ओ ग्रुप दिस इज नोन एज एसाइल ग्रुप तो क्या आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एसिटो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जेई मेन में पूछी जाती है कि बेंजीन से एसिटो फिन बनाना है क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई बच्चों को लगता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज ओनली दिस मैं आपको थोड़ा सा और याद दिलाना चाहूंगी थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं ठीक है डिटेल क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेंजीन में कल को अगर आपने एसिटिक एसिड डाल दिया H की प्रेजेंस में समझ एसिटिक एसिड डाल दिया मैंने एच प्लस की चलो एसिटिक एसिड को भी गोली मारो ठीक है ये भी छोड़ो मैं आपको और ये तो फिर अच्छी चीज होगी और सिखाती हूँ आपने एसिडिक एन डाल दिया सी एच सी ओ ठीक है सीओ सी एच इसी को ही शॉर्ट में होल ट्वाइस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला एच प्लस की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना इस सी एच सी सी ओ ग्रुप को उठा के बेंजीन पे चिपका दे दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नजर आता है कि सी एच सी सी ओ सी एल डालना है बेंजीन के अंदर एच ई के प्रेजेंस में कभी वो कल को एनहाइड्राइड दे दे तो सिंपल क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमको आता ही नहीं है ठीक है ना अभी क्लियर है कॉन्फिडेंस आ रहा है डन चलिए आगे देखिए थर्टी एट थर्टी नाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं आज की क्लास का फोर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बेंजीन पे दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर क्या सबके दिमाग में चमक गया नाइट्रेशन है नाइट्रेशन में आप डालो टिन इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल एफ इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एन दिस इज नथिंग बट रिडक्शन क्या है रिडक्शन क्या आपको समझ आ गया नाइट्रोबेजीन बन जाएगा क्या यह बात समझ आई हा नाइट्रोबेजीन कह रही एनिलीन बन जाएगा है ना दोबारा गलती से लिख दिया क्या आपको समझ आया एनिलीन बन जाएगा इस एनिलीन के अंदर अगर आपने डाला मेरी बात ध्यान से सुनना एन एन ओ टू एच सी एन टेम्परेचर दिया होगा जीरो से फाइव डिग्री सी क्या दिया होगा एन ए एन एन ओ टू एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सी कई बार वो एन एन ओ टू एच सी एल लिखने की बजाय पता है क्या लिख देता एच एन ओ टू कई बार होनो एच ओ एन लिख देता है बच्चे को रटा होता है एन एन ओ टू एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सी उसकी मर्जी उसने एन एन ओ टू एच सी एल ना देके एच एन ओ टू दे दिया ये सब उसकी मर्जी है खाली नाइट्रस एसिड दे दे मगर क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है इसीलिए हम इसको इन सिट्यू प्रिपेयर करते हैं Using -no मगर उसकी मर्जी वो इसको एच एन ओ टू लिख के दे दे एच ओ एन ओ लिख के दे दे तो मीन कि आप है ना मुश्किल में पड़ जाओगे और बताती हूँ कई बार वो इसको ध्यान से सुनना NOCL सी एल लिख कर दे देता है फिर मत कहना हमको नहीं आया कई बार वो इसी को NOCL सी एल लिख कर दे देता है यहां से बन जाता है बेंजीन सी एल माइनस इसी को डाई रिएक्शन बोलते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि तुमने डायशन कभी सीख नहीं रखा मैं जानती हूं यहां तक सबको आता है मगर ये एच एन ओ टू लिखना एच ओ एन ओ लिखना एनओ सी एल लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेन में बच्चा फंसता है ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें जनरली बच्चा मेन में, में फंस जाता है क्या आपको डाई रिएक्शन क्लियर हो गई है ठीक है आगे करते हैं चालीस कॉन्सेप्ट हो गए अब देखो फटाफट -फड़ पांच पांच छह नेम रिएक्शंस में निपटाऊंगी अगर इसी बेंजीन पे ध्यान से देखना बेंजीन पे मैंने लिया ठीक है और इसके अंदर मैंने डाल दिया ध्यान से देखो कॉपर का सॉल्ट यानी कि सी यू सी एल तो आपको समझ आ गया कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा एंड द रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन रिएक्शन एज सैंडमेयर सैंडमेयर के रिएजेंट पता होने चाहिए इसी इसी क्लोरो मतलब इसी N2 Cl में मैंने CUBR ले लिया. ठीक है. पर हमारे पास ब्रोमो बेंजीन की प्राप्ति होती है क्या यह सही बात है अगर मैंने इस रिएक्शन में ध्यान से देखना फोर्टी थर्ड मैंने बेंजीन में एन टू प्लस सीएल माइनस ले लिया मगर अब मैंने डाला कॉपर एच सी एल मतलब कॉपर एच बी आर पहले मैंने डाला था कॉपर का सॉल्ट सॉल्ट डालोगे तो याद रखना सैंडमेयर नाम है अगर मैंने कॉपर को एसिड की प्रेजेंस में डाला तो अभी भी मेरे पास क्लोरोबेंजीन ही बनेगा विल गेट क्लोरोबेंजीन मगर अब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन याद रखना गेटरमैन गेटरमैन कॉच दोनों अलग अलग रिएक्शन है क्या यह बात सबको अच्छे से याद आ रही है अगर मैंने फोर्टी फोर्थ सुपर 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 इम्पोर्टेंट अगर मैंने बेंजीन में एन टू पॉजिटिव सी एल माइनस में कल को एच बी एफ फोर डाल दिया एच बी एफ फोर इज नथिंग बट एच प्लस और बी एफ फोर माइनस इसी रिएक्शन में बन जाएगा फ्लोरो बेंजीन इसी रिएक्शन का नाम है बाल शिमन्स रिएक्शन बाल एस सी एच आई एम ए एन मेरे को स्पेलिंग नहीं आती बाल शिमेंस रिएक्शन छोटे छोटे बालों की रिएक्शन बाल शिमेंस रिएक्शन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ रही है अब इसके साथ साथ और दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें फोर्टी फिफ्थ अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव सी माइनस में कल को एथेनॉल सी थ्री सी डाला कल को मान लो मैंने बेंजीन एन पॉजिटिव सी माइनस में ठीक है एथेनॉल डाल दिया एस क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड डाल दिया या फिर ठीक है या तो मैंने एथेनॉल डाल दिया फॉर्मिक एसिड डाल दिया यस मोस्ट इंपॉर्टेंट एच थ्री पीओ टू डाल ठीक है ये सब डाल के हीट किया तो बच्चे दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन क्या ये बात याद आ गई सबको दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन मेरे पास इन सबका आंसर बेंजीन होगा आपको याद है ना बेंजीन पे एन टू पॉजिटिव सी एल माइनस है अगर ये हटाना है तो एथेनॉल डाल दो खाली बेंजीन बन जाएगा एसिटिक एसिड डाल दो खाली बेंजीन बन जाएगा एच ट्री प्योर टू डाल दो खाली बेंजीन बन जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई याद आ रही है ये चीजें दिस इज क्लियर टू एवरी वन कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत लग रही है टफ लग रहा है प्लीज पूछो ठीक है नाना जिंक डस्ट तब डालते हैं जब फिनोल होता है फिनोल में जिंक डस्ट डालो तो बेंजीन बनता है यार कंफ्यूजन मत क्रिएट करो बेंजीन एन टू पॉजिटिव सी एफ माइनस में एच ट्रीओ एच प्योर टू डालो बेंजीन बनेगा एसिटिक एसिड गर्म करो बेंजीन बनेगा एथेनॉल गर्म करो बेंजीन बनेगा ठीक है फीनोल में अगर आपने जिंक डस्ट डाल दिया तो खाली बेंजीन बनेगा याद आ गया आगे देखो रिएक्शन खत्म नहीं हुई दिस इज नोन एज सी ओ यू पी एल आई एन जी कपलिंग रिएक्शन हम यहाँ पर है ना बंदा बंदी कपलिंग नहीं कर रहे हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की कपलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया एनिलीन ठीक है रिएक्शन यही आएगी आपने डाला एनओ सी एल अब कोई कहे नहीं एनओ सी एल नहीं एन एनओ टू एच सी एल डाल दो कोई कहे ना 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 मैम हम तो डालेंगे एच एन टू तुम कुछ भी डाल दो हमको कोई दिक्कत नहीं है जीरो टू फाइव डिग्री सी पहले तो आप बना देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव सीएल माइनस अब इसके अंदर डालो बच्चे फिनोल अगर इसकी रिएक्शन आपने फिनोल के साथ कराई तो ध्यान से देखो फिनोल का जो पैरा पोजिशन है काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पर तो ये जाके इस वाले एन पे अटैक करेगा और दूसरे वाले एन पे अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या मैं आपको बोल दूँ कि जो हमारे पास रिएक्शन बनी है है ना यहाँ पर आ गया फिनोल अरे 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 हमारे पास जो रिएक्शन बनी है एक तो फिनोल है और फिनोल के पैरा पोजिशन पे फिनोल के पैरा पोजिशन पे लगाए एन डबल बॉन्ड एन और बेंजीन और ध्यान से देखिए यहां पर हो रही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ये इधर आया 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 एन सोन दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड है और इसी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ये कंपाउंड डाई की फॉर्म में कलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑरेंज कलर की डाई है ठीक है क्योंकि फिनोल में कहा गया क्योंकि फिनोल पी एच ई एनोएल फिनोल में ओ आता है आप याद रखेंगे कि डाई का कलर क्या होता है ऑरेंज क्योंकि फिनोल में ओ आता है डाई का कलर क्या है ऑरेंज क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई डन अभी एल्डोल सब कराऊंगी घबराओ मत आज की क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास का फोर्टी सेवन अगर यही रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएंगे मतलब इंस्टेड ऑफ फिनोल इफ यू टेक एनिलीन तो येलो कलर की डाई बनेगी ठीक है एनिलीन के साथ कराओगे येलो कलर की डाई बनेगी डन आगे देखिए अगर मैंने क्लोरोबेंजीन को डायरेक्टली फिनोल में कन्वर्ट करना है इन वन प्रोसेस द रिएक्शन इज नोन एज डाउस प्रोसेस एक्वस के ओ एच की रिएक्शन करते हैं मगर ये रिएक्शन जरा भी आसान नहीं होती क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उस डबल बॉन्ड को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है इसीलिए इस रिएक्शन को कराने के लिए 623 हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर और 300 हंड्रेड ए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है क्या ये बात याद आ गई और इसी को मैं थोड़ा सा इंटर मतलब थोड़ा सा अच्छा कर देती हूं अगर यहां पर नाइट्रो ग्रुप है यहां नाइट्रो ग्रुप है यहां नाइट्रो ग्रुप है तो अगर आप केवल इसको वार्म वाटर भी डालोगे ना गर्म भी कर दोगे तो भी यह कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और इसी को बोलते हैं टू कोमा फोर सिक्स ट्राई Nitrophenol, दिस इज what इज नोन एज 246 फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल very इज वेरी वेरी गुड एसिड एंड इसका नाम है पिक्रिक एसिड येलोइ कलर का होता है पिक्रिक एसिड टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई यही डाउस प्रोसेस डाउस प्रोसेस में यहाँ पर मुझे देखो पॉजिटिव क्रिएट करना है तो मैं ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे माइनस एम ग्रुप्स लगाना चाहूँगी क्या ये बात क्लियर है एनी तो वन है।, को है तो यहाँ तक पूछिए कितने घंटे हो गए मेरे ख्याल से दो घंटे होने वाले हैं इस दो घंटे में आज हमने जितना सीख लिया ना मिनिमम आई आई एम गिविंग यू माई एश्योरेंस अगर पेपर में ना आए ना यहाँ से आठ नंबर तो बेशक चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बेशक नीचे डिसाइक कर देना आके लिख देना कि नहीं आए बेकार लेक्चर है ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे पे विश्वास रखो मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी इस लेक्चर से आठ नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दिस इज नॉट लाइक जस्ट एनी अदर नेम नेम रिएक्शन रिएक्शन का सेशन पे हम name reaction के साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में वो सब डिस्कस करा रही हूँ सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है बस विश्वास रखो मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी इतना तो मैम पे विश्वास रखना चाहिए कीप एक मिनट सेव कर लेते हैं एक बच्चे ने लिखा था मैं भूल गई है सेव कर लेते हैं फोर्टी एट कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सो so, आज की क्लास का फोर्टी नाइन्थ कॉन्सेप्ट मतलब फोर्टी नाइन्थ कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग द नेम रिएक्शन मुझे बताओ वैसे तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का ही पार्ट है बट स्टिल मेरे पास बेंजीन है बेंजीन के अंदर मैंने डाला मेरे पास बेंजीन है बेंजीन के अंदर मैंने डाला प्रोपीन ठीक है मीडियम ले लिया एसिडिक सबसे पहले बताओ मेरे पास क्या बनेगा क्या मैं कह दू मैम यहां पर तो मार्कमिकॉव एडिशन होगा उसके बाद बेंजीन पे वी चिपक जाएगा जिसको क्यूमीन के नाम से हम जानते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं क्यूमीन के नाम से अगर क्यूमीन के अंदर मैंने ऑक्सीजन डाली सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये जो सी एच बॉन्ड है इस सी एच बॉन्ड के अंदर ओ ओ एच है हाँ ना क्या बन जाएगा ओ एच इसी को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड तो इसी रिएक्शन का नाम लिख लीजिए क्यूमीन हाइड्रो परूमीन हाइड्रोपेक्साइड रिएक्शन जेई मेन 2022 में तीन चार पेपर में यही रिएक्शन आपसे पूछी गई थी थोड़ा सा मीडियम कर दो एसिडिक एच प्लस आई थिंक आपको याद आ जाएगा ये सारा का सारा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है दिस विल बी कन्वर्टेड टू एसिडो याद आ गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन तो जब भी बेंजीन के ऊपर एक वी दिखे है ना विक्ट्री साइन दिखे बेंजीन के ऊपर वी दिखे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर दिखे सो द रिएक्शन इज नोन मतलब दैट बिकम्स क्यूमीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है इज दिस सिंग क्लियर टू एवरी वन कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक ये ना पता हो तो प्लीज पूछ लेना घबराना मत प्लीज आस इफ यू आर नॉट ओके वेरी गुड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आई एन डी यू एस टी आर आई ए एल जेई मेन दो हजार बाईस में पूछा गया सवाल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फीनोल इज डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रियजेंट सुपर इम्पॉर्टेंट आज की क्लास का पचासवां सवाल मतलब पचासवीं नेम रिएक्शन आज की क्लास की जिसको बोलते हैं रीमा टीमन रिएक्शन आर ई आई एम ई आर टी आई ई एम ए डबल एन बच्चे मुझे स्पेलिंग नहीं आती माफ करना आई एम नॉट वेरी गुड विद स्पेलिंग्स ठीक है द रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन बहुत 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 मतलब ऐसा कोई जेई का पेपर नहीं मतलब 2023 में आरटीआर, टी आर रिएक्शन ना आए ऐसा हो नहीं सकता हर साल आती है आपने लेना है फिनोल फिनोल के अंदर आपने डालना है क्लोरोफॉर्म ध्यान से सबसे पहले डालेंगे क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस केवेज पहले क्या के डालेंगे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस केवेज स्टेप नंबर वन फिर आगे जाके करेंगे एसिडिफिकेशन बस याद दिला देती हूं यहां पर ओ OH एच है सी एच ओ आ जाएगा एक और ओ OH एच है और यहां सी एच ओ ठीक है ऑर्थो और पैरा इसको बोलते हैं सेली सल डी हाइड सेली सल डी हाइड जिसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है जिसमें से यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ द मैकेनिज्म नथिंग इज रिक्वायर्ड बस याद रखना ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा जबकि पैरा सेलिसलडियाड के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एंड दस इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट बस इतना अरे कीप कीप फाइल सेव कर लेते दोबारा सुपर इंपॉर्टेंट है मिकेनिज्म नहीं करना देखो मेकेजम करने का अभी अपने पास टाइम ही नहीं है तो यू डोंट हैव टू डू द मेकेनिज्म नथिंग इज टू बी डन बस एक और छोटी सी चीज याद रखनी है फिफ्टी फर्स्ट पॉइंट यहां पर भी जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो है डी सी सी जिसकी बारे में बात ऑलरेडी मैं आप लोगों से कर, कर चुकी हूं राइट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डीसीसी डीसीसी कैसा दिखता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले एक मिनट यहां तक आपके चैट चेक कर लेते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए <coughs> आ गया डन मिनट पानी पीन दो फिर कंटिन्यू करती हूँ और कितना टाइम लगेगा क्या टाइम हो गया एक बजने वाली है ना कोशिश करूंगी डेढ़ बजे तक कंप्लीट हो जाए बहुत लंबा नहीं है जितना भी बाकी बचा है मैं कोशिश करती हूं कि डेढ़ आधा घंटा तो और चाहिए मुझे क्योंकि अभी भी बड़ी सारी छोटी छोटी नेम रिएक्शन है जो स्कैटर्ड है उनको एक जगह पर समझाना है सो मे बी हाफ एन आवर मोर एंड विल बी डन ठीक है एक पी वाई क्यू देती हूँ नेम रिएक्शन है जो कि पहले एडवांस में पूछा गया था ठीक है आपके पास है एनिलीन क्या है एनिलीन एनिलीन की रिएक्शन करनी है सी सिक्स एच फाइव सी एल के साथ सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल इस कहानी इस क्वेश्चन की हिस्ट्री बताती हूँ कुछ साल पहले यह क्वेश्चन गेट के पेपर में IIT JAM के पेपर में पूछा जाता था इनके पेपर में कब से पूछा जाने लगा उससे पहले ये JEE एडवांस मतलब हम लोगों के टाइम पे जब JEE मेन और JEE एडवांस नहीं हुआ करता था वी यूज्ड टू हैव IIT JEE है ना हम लोग के टाइम पे IIT JEE और AI ट्रिपल ई का पेपर होता था तो पहले ये सवाल IIT JEE यानी कि JEE एडवांस के पेपर में पूछा जाने लगा फिर इसी सवाल को कॉपी करके गेट और JAM वालों ने पूछना शुरू किया ठीक है फिर इसी सवाल को अब एडवांस के पेपर से कॉपी करके मेन में पूछा गया है ये सवाल अब मेन्स में पूछा जाता है अगर मैंने एनिलीन की रिएक्शन कराई सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल के साथ तो हमने ये बात तो पता ही है ना कि भाई अरे अरे ये तो पता ही है मैम यहाँ से एच हटाओ मैम यहाँ से सी एल हटाओ किस किस को लग रहा है कि मैम यहाँ से एक एच हटाओ एक सी एल हटाओ और मेरे पास बन जाना चाहिए बेंजीन है ना बेंजीन एन एच सी ओ एक और बेंजीन सही है ना बेंजीन, N -H -C -O, एक और एन एच सी का नाम है रिएक्शन रिएक्शन -E मेरे को स्पेलिंग नहीं आती B -A -U -M -A -N -N, कुछ नहीं है इस रिएक्शन के अंदर बस नेम रिएक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बारी 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 पूछी जाती है द रिएक्शन इज नोन एज शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन वेरी गुड इस ध्यान से देखो

दैट इज वाई इट्स एन important रिएक्शन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई दिस इज क्लियर टू एवरी आज की क्लास का फिफ्टी थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरे हम फिफ्टी रिएक्शन क्रॉस कर चुके हैं तो मतलब मेरे पास तो चैट्स में हार्ट वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी ठीक है आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा जब तक चैट्स में खूब सारे हार्ट्स फ्लड नहीं होंगे क्या आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है स और नो इन द टर्म्स ऑफ हार्ट बस मुझे हार्ट देखने दो कितने हार्ट आ रहे हैं ठीक है मतलब यार मैम भी थोड़ा तो मतलब मेरा भी तो फायदा होना चाहिए समझ रहे थे हाँ जी बेन्जॉयल एड हुआ ठीक है डेन तो आज की क्लास में अभी पर्पल हार्ट अच्छा ये मेरे अरर -अर -अर के लिए हार्ट दे रहे हो नहीं आएगा क्या नहीं आएगा क्या नहीं आएगा पेपर में ये नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता आज की यार मैंने आज के सेशन के लिए ना बहुत मेहनत करी है ठीक है अब तुम मेरे पिछले सेशन भी उठा के देख लेना ठीक है जहां पर ऐसा नहीं है मैं नेम रिएक्शंस पहली बार करा रही हूँ बट देर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन दिस सेशन बिकॉज इसके लिए मैंने लिटरली बहुत मेहनत करी मैंने परसों ये मेहनत कर ली थी क्योंकि मुझे था कि कल आके मैं चार बजे क्लास ले लूंगी तो मैं बहुत देर बैठ के मैंने सारे पीवाईक्यू उठाए पीवाईक्यू में जो 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 नेम रिएक्शन थी है ना वो सारी नेम रिएक्शन एक साइड पर लिखी कि ये बच्चों को करानी है क्योंकि इनमें से पीवाई आते हैं फिर वही पी उठा उठा के तो मैं करा रही हूँ सो so, इस इस से, आ, सेशन के पीछे देखो मेरा बहुत एफर्ट गया और मैं यही चाहूँगी बच्चे कि देखो मैं तो एफर्ट कर रही हूँ मैंने तीन चार घंटे लगा के पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया कि एक के बाद एक के बाद ये ये बच्चों को पढ़ाना है तो जब इतना मेहनत हो रहा है तो आई रियली वट कि ये मेहनत हर बच्चे तक जाए तुम्हारे तक तो जाए बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि यूट्यूब पर टाइम पास पढ़ाई होती है तो उनका ये मिथ तोड़ो लेट देम ऑल्सो भी बेनिफिटेड कि उन तक ये बात जाए कि भाई पढ़ो एक बार पढ़ के देखो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गिव अप कर देते हैं एग्जाम के एक हफ्ते पहले कि नहीं हो पाएगा ठीक है अब बच्चे गिव अप करने से देखो मेरे पास भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास भी दो रास्ते हैं कि मैं गिव अप कर दूं या मैं फाइट मारूं ठीक है गिव अप करने वाला रास्ता सच में बहुत इजी होता है यू गिव अप ठीक है बस एक बार अंदर से दर्द होता है कि कैसे करें कब होगा एंड यू गिव अप और दूसरा रास्ता बहुत गंदा होता है बहुत टफ होता है जहां पर आपको पता है कि शायद आपका सिलेक्शन हो ना हो शायद आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ना हो ठीक है फिर भी अगर आप उस रास्ते पर चलने के लिए रेडी हो फिर भी अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना तो बच्चे जो मेहनत यहां पर आप करोगे ना इस मेहनत से जो सीखोगे मैं ये नहीं कह रही बच्चा आई जाएगा तभी लाइफ सक्सेसफुल है मगर अगर आपने ये बर्डन ये मेहनत करना सीख लिया ना एक बार ये बर्डन कैसे हैंडल करना सीख लिया आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो आप अच्छा ही करोगे तो फल क्या होगा मुझे भी नहीं पता तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता मेरा कुछ अच्छा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता बस अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना तो भगवान हमारे साथ है दैट्स इट है ना चलिए फिफ्टी थर्ड रिएक्शन पे हम आ जाते हैं आज की रिएक्शन का नाम है हॉफमैन, हॉफमैन हॉफ मैन ब्रोमामाइड बी आर ओ ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डी जी आर ए डी आई वन हॉफमैन मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अभी नेम रिएक्शंस खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको लग रहा है खत्म हो गया अभी खत्म नहीं हुआ क्लास ध्यान से देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनिक में तो पूछा ही जाता है साथ-साथ फिजिकल का भी क्वेश्चन बन गया जेईई मेन में कम से कम दो से तीन बार इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पूछा पहले मैं सिखाती हूँ क्या है आपको लेना है आरसीओएनएच2 अमाइड इसके अंदर डालेंगे एक्वस केओएच इसके अंदर डालेंगे ब्रोमीन क्या डालेंगे आरसीओएनएच2 केओएच और ब्रोमीन आपको कुछ नहीं करना रिएक्शन को गरमा-गरम -गर्म कर देना है शॉर्टकट ये है कि आपको C डबल बॉन्ड O को गोली मारनी है एंड यू विल गेट आर एन एच टू सी डबल बॉन्ड O को गोली मारो यू विल गेट आर एन एच टू साथ आपको मिलेगा ये जो के ओ एच है इस C के साथ कंबाइन करके के टू सीओ थ्री बनाएगा और बनेगा के बी आर साइड प्रोडक्ट समझ आ गए आर सीओ एन एच टू के ब्रोमिन डालेंगे सी डबल बॉन्ड O को गोली मारो एक बन गया आर एन एच टू ये जो के है बेस है और ये सी डबल बॉन्ड हो एसिड वाला रिएक्शन कराएंगे के टू सी ओ थ्री और साथ में हमारे पास बनेगा के बी आर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो होता क्या है या तो सिंपल यही पूछा जाएगा ठीक है कि आपको अमाइड दे रखा है एक्वस के एक्वस के ओ एच एन एच या बी आर टू डाल रखा है औ, और आपसे ये पूछ लिया कि प्रोडक्ट बताओ ठीक है दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो ये कि आप कितने मोल के ओ एच के यूज करेंगे याद रखना यू नीड टू यूज फोर मोल ऑफ केन मोल ऑफ ब्रोमीन आपको चार के एक ब्रोमी बनेगी आर एन एच टू के बैलेंस करके देख लेना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो आर ग्रुप आर ग्रुप एक एन एच टू एक एनएच टू ठीक है ना दो पोटेशियम ठीक है हमारे पास बन गया यहाँ पे दो है ना तो यहाँ पे टू के टू सीओ थ्री आपने लिया फोर पोटेशियम आपके पास फोर पोटेशियम आ गया इसको पूरी आप बैलेंस करके चलो अभी मैं पूरी बैलेंस भी नहीं कर रही राइट हैंड साइड क्या है नहीं पता वो छोड़ो आप ये याद रखो मुझे चार मोल के, के लेने हैं एंड वन मोल ऑफ ब्रोमीन इज रिक्वायर्ड इस रिएक्शन को करने के लिए आई नीड फोर मोल ऑफ के ओ एच एंड वन मोल ऑफ ब्रोमीन ये मोल रेशो का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ गए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू टेक फोर मोल ऑफ क्यूएच एंड वन मोल ऑफ ब्रोमीन चार के और एक ब्रोमीन लेना है ये कंपलसरी है ठीक है अब मैम इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है मेरी बात सुनो इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है फिफ्टी फोर तो सामने देखें इंपॉर्टेंट है तभी सिखा रही हूं मेरे पास है आर सी ओ एन एच टू ठीक है मैंने बेस डाला ओ एच माइनस तो पहले तो ये बेस ओ एच माइनस एच को ले जाएगा ये बन जाएगा आर सी ओ एन एच ठीक है क्या बन जाएगा आर सी ओ एन एच माइनस अब आपने इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा ये चला जाएगा क्या बन जाएगा आर सी ओ एन एच बी आर हमारे को यहाँ तक भी शांति नहीं मिली मैंने यहाँ पे वापस से एक और के यूज कराया मेरे पास बन गया आर सी ओ एन पे नेगेटिव बी आर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है अब यहां पर नाइट्रोजन कम बैक करेगा ये आर ग्रुप नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा और बी आर धक्के मार के निकल जाएगा यानी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मेरे पास बन जाएगा सी डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड एन और आर एंड दिस इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है आर सी एन मतलब आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्डो सुपर 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 इंपॉर्टेंट आगे देखना चाहो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्डो आगे जितनी भी रिएक्शन होगी वो यहां से होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना आपने ओ एच माइनस का फर्दर अटैक कराया तो ओ एच माइनस यहां पर अटैक करेगा ठीक है यहां पर अटैक होगा ये इधर जाएगा क्या बन गया आर एन डबल बॉन्ड सी एक ओ माइनस एक ओ एच ये इधर आएगा ये इधर आएगा क्या बन गया आर एन माइनस सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर ओ OH. एच अब ये जो एन है समझ रहे हो? ये जो एन है वो क्या करेगा इस पे वाटर पहले तो एक पानी का अटैक करवा दो सिंपल पानी का अटैक करा दो एचियो पॉजिटिव क्या आ जाएगा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच उसके बाद ध्यान से देखो ओ एच माइनस यहां से आ जाएगा फिर ये ये जो बनेगा ना नाइट्रोजन पे ये जो बनेगा ठीक है ये एक और एच ग्रुप लेगा यहां से CO2 धक्का मारेगा और फाइनली मेरे पास आर एन एच2 आ जाएगा मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा आर एन एच2 CO2 वहां से निकल जाएगा जो सीओ टू यहां से निकला उसी को KOH करेगा K2, तो मैं आपको ये इतना सारा डिटेल मतलब ये ये जो लास्ट पेज है ना ये तो सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बस इतना सीखना है कि आर, CONH2 से OH डाला ये सारी रिएक्शन यहां तक आके रुकती है पहली रिएक्शन आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ यह पूछा गया है जेई मेन में सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए नहीं तो हम आगे करते हैं कंटिन्यू फर्दर ठीक है पहले पूछ लो यहां तक कोई इश्यू कुछ है तो पूछो डन डन चलिए हाँ टाइम टाइम्स भी लगवा देंगे कोशिश करेंगे देखो अभी खाली सर और मैं तो सारी इवेंट भी खुद क्रिएट करने होते हैं फिर पीडीएफ अपलोड और ये सारी चीजें खुद पे आ गए ना तो थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा सा टाइम दो धीरे धीरे आप बच्चों के सपोर्ट से सारी चीजें होती जाएंगी घबराना मत भाई एम बहुत बड़ा है मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे बट धीरे धीरे विल मेक श्योर सारी चीजें करेंगे आज की क्लास का फिफ्टी फिफ्थ पचपनवा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान से सीखना है सुपर इंपॉर्टेंट आपके पास बच्चे दे रखा है बेंजीन सी ट्रिपल बॉन्ड एन बेंजीन पे साइनाइड अगर मैंने इसके अंदर डाला ध्यान से एस एन सी एल टू और एच सी एल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन जल्दी से मैंने डाला एस एन सी एल टू और एच सी एल वॉट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन रिडक्शन करा रही हूं मेरे पास बनेगा बेंजीन यहां सी एच डबल बॉन्ड एन एच और मैंने सिखाया था जब भी सी एच डबल बॉन्ड एन एच दिखाई दे चुपचाप से पानी डाल दो ये बॉन्ड तोड़ो हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड जिन बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया बहुत ही बढ़िया स्टीफेंस रिडक्शन बच्चे अगर मैंने मेटल एच लिया होता टिन एच सी एल देन दैट वॉज नॉट स्टीफन रिडक्शन अगर मैंने एस एन सी एल टू लिया दो मोल एच सी एल के साथ ओनलीन द रिएक्शन विल बी नोन एज स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन वेरी गुड अब कंफ्यूज नहीं होना कि मैम टिन एच सी एल लिया था वॉज दैट ऑल्सो स्टीफन रिडक्शन नो no. स्टीफन रिडक्शन के लिए यू हैव टू यूज एस टू एंड केवल टू मोल्स ऑफ एच देन ओनली द रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई डन है फिफ्टी सिक्स मेरे पास है रिएक्शन जिसका नाम है रोजन मंस रिडक्शन द रिएक्शन इज नोन एज रोजन मंस रिडक्शन क्या आपको ये बात याद है मेरे पास असाइल हैलाइड सी ओ सी एल बेंजीन पर मान लो मैंने पी एच सी ओ सी एल ले लिया अगर मैं चुपचाप डाल रही हूँ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पेलेडियम बी एस ओ फोर तो ये जो रिएक्शन है देखो क्या होगा कुछ नहीं अब मुझे फाइनली हाइड्रोजन डालना है आई हैव टू पुट हाइड्रोजन ये कट जाएगा और मेरे पास बेंजीन पे सी एच ओ आके चिपक जाएगा द रिएक्शन इज नोन एज रोजन मंस रिडक्शन क्या ये बात सही है रिएक्शन इज नोन एज रोज एंड मंथ रिडक्शन किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए अब आ रहा है कॉन्फिडेंस देखो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन थी ना नेम रिएक्शन इनको मैं लास्ट में करा रही हूं आपने देखा होगा शुरुआत में मैंने ऐसी ऐसी रिएक्शन कराई जो थोड़ी खतरनाक थी जो थी तो नेम रिएक्शन मैंने आपको आज क्लास की स्टार्टिंग में क्या कहा कम से कम आठ नंबर पक्के तो आठ नंबर में तो ऐसी ऐसी रिएक्शंस आ जाती है आठ नंबर में जैसे ये करा दिया आइसोसाइनाइट टेस्ट या ये पूछ लेगा कार्बाइलिन टेस्ट में इंटरमीडिएट कौन सा है ये चार चार नंबर की आराम से रिएक्शन आती है मगर ये जो ये सारी चीजें कराई ना ये देखो ये वाली जैसे ये कराया ठीक है ये कराया डी कार्बोक्सीशन ये कराया हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन ये सारी वो चीजें हैं जो मैकेनिज्म सहित आपसे नेम रिएक्शन के पार्ट में पूछी जाती है तभी मैं कह रही हूँ कम से कम आठ नंबर और समझ रहे हो ज्यादा से ज्यादा तो बारह सोलह नंबर आराम से बन जाते हैं खाली नेम रिएक्शन से भी तो इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से करना अच्छा हो जाएगा फिफ्टी सेवेंथ चलिए अगर बच्चे मैंने है ना सपोज करो मैंने एक रिएक्शन कराई मेरे पास साइक्लोहेक्ग्जे दे रखा है इसके अंदर मैंने डाला एन टू एच फोर इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच या फिर कई बार वो ऐसे लिख देता है हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच कई बार वो इसको हाइड्राजीन भी लिख सकता है दे आर वन इन द सेम थिंग अगर मैंने डाला हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ के क्या आपको याद आ गया कि ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है वुल्फ स्पेलिंग नहीं आती के आई एस एच एन आर वुल्फ किश्नर रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में आप बच्चों को सी डबल बॉन्ड हटा के केवल सी एच टू चिपकाना है एक ऑक्सीजन हटा दो दो हाइड्रोजन चिपका दो यू डोंट नीड टू डू द मैकेजम्स नथिंग अगर मैंने इसके अंदर सपोज करो यूज करा जिंक मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल सो दिस जिसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन बोलेंगे द रिएक्शन विल बी नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम क्योंकि वुल्फ में रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराई जाती है तो जितनी भी बेस सेंसिटिव रिएक्शन है जितनी भी बेस सेंसिटिव रिएक्शन है मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर बेस काम खराब कर देगा वहां पर वुल्फ किश्नर यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लिमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में कराई जाती है तो जितनी भी एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है वहां पर हम क्लिमेंसन रिडक्शन अवॉइड करेंगे क्या ये बात सब बच्चे जानते हैं वहां पर हम क्लिमेंसन रिडक्शन जो है अवॉइड करेंगे डन आगे देखिए आज की क्लास का फिफ्टी नाइन्थ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन विच इज नोन एज कैनिजारोस रिएक्शन अभी कोई बच भी गई हो मेरे को बताते जाना बट बत मैं अभी कोशिश कर रही हूं सारी कंप्लीट करा दू मान लो बच्चे मेरे पास ठीक है मेरे पास सपोज दे रखा है फॉर ठीक है और रिएक्शन करा रखी है कॉन्सेंट्रेटेड के ओ एच कल को वो फिफ्टी परसेंट के ओ एच लिख कर दे दें है ना कल को वो वेरी 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 कॉन्सनट्रेटेड ओ एच माइनस लिख कर दे दें मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में अगर आपने रिएक्शन करा रखी है तो आप याद रखिए यहां पर जो एल्डिहाइड है ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा पहली बात तो इट विल बी कन्वर्टेड टू देखो सी एच टू ओ एच है ना मतलब एक तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में एंड देन वन पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है ओ माइनस के पॉजिटिव तो अगर ए अगर आपका कोई एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास देयर शुड बी नो एल्फा हाइड्रोजन अब एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ध्यान से सुनिए सिक्सटी पॉइंट सी डबल बॉन्ड ओ को सर्कल कर लो इसके बाजू वाला कार्बन क्या कहलाएगा एल्फा एल्फा के बाजू वाला कार्बन क्या कहलाएगा बीटा तो अल्फा कार्बन पे देर शुड नॉट बी एनी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जेई मेन का पी वाई करके दिखाइए सिक्सटी वन आपके पास है सी एच ओ सी आपने डाला फिफ्टी परसेंट के जल्दी से आंसर लिखकर बताएं सी एच ओ सी एच ओ फिफ्टी परसेंट के ओ एच टेल मी द आंसर फॉर द रिएक्शन क्विक एसिड सेंसिटिव का मतलब है फॉर एग्जाम्पल Uh, मान लो ठीक है मान लो मैं एक रिएक्शन करा रही हूँ सी डबल बॉन्डो और यहाँ पर दे रखा है ओ सी एच थ्री ठीक है और मुझे इसकी रिडक्शन करानी है तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर ओ सी एच थ्री अब मेरे से पूछा जाए कि मैं क्या यूज़ करूँगी आपको इतना तो क्लिक कर गया कि मैम सी डबल बॉन्डो को सी एच टू में कन्वर्ट करना है तो या तो आप क्लिमेंसन यूज़ करो या वुल्फ कृष्णा मैंने देखा मैम ये ईथर है और आप जानते हो कि ईथर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो मेरा मीडियम एसिडिक नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि ईथर एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो अब मुझे क्लीमेंसन यूज करना चाहिए वुल्फ तो मैं यूज करूंगी वुल्फ किश्न एन टू एच ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करता आई कैन नॉट यूज क्यों क्योंकि HCl तो रिएक्शन कर जाएगा ईथर को ईथर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा सो दिस इज वॉट इज एसिड सेंसिटिव ठीक है बिल्कुल बढ़िया। अगर 50 KOH परसेंट तो कोई एक कार्बन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो दूसरे कार्बन को एसिड में सो दिस इज वॉट इज नोन एज कैन रिएक्शन क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई डन है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्सटी थर्ड हाँ बच्चे आज की क्लास का पी डी एफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी टेलीग्राम का लिंक आई थिंक आपके चैट्स में पिन कर दिया होगा है ना इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया होगा टी डॉट एम ई स्लैश कोरा क्लासेस वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं बी ए पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं नोट्स वहां पर अपलोड कर दूंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है एस्टेरिफिकेशन मान लो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी आर ओ एच के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में है ना रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड मतलब रिएक्शन ऑफ एनी एसिड विद एल्कोहल एसिडिक मीडियम में तो हम क्या करेंगे आर सी ओ ओ आर प्लस वाटर एस्टर का बनना क्या कहलाएगा एस्टेरिफिकेशन ठीक है एस्टर का बनना क्या कहलाएगा एस्टेरिफिकेशन सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन डन चलिए तो ये भी कंप्लीट हो चुका है अब हम एक और देख लेती हूँ अगर इन केस कोई रिएक्शंस रह गई है हाँ कुछ रह गया तो आप भी मुझे बता दो अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर कोई रिएक्शन रहती है तो वो मैं आपको करा देती हूँ अगली रिएक्शन पे चलते हैं विच इज सिक्सटी फोर्थ रिएक्शन द रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है सामने देखिए बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगी बच्चे मान लो मेरे पास दो एल्डिहाइड हैं एक है सी एच थ्री सी ओ एच ठीक है ऐसे मैंने दो सेम एल्डिहाइड लिए अब मैंने क्या करना है इसकी मुझे डाइल्यूट बेस ध्यान से सुनना डाइल्यूट बेस डाइल्यूट बेस कैन बी डाइल्यूट एन ओ एच ठीक है इट कैन बी डाइल्यूट के ओ एच इट कैन बी जस्ट ओ एच माइनस एक्वस इट कैन बी एक्वस एन ए टू सी ओ थ्री इट कैन बी एक्स के टू सीओ थ्री इनमें से कुछ भी लिख कर देगा आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि ये अल्डोल का रिएक्शन हैश टैग चमकना जरूरी है चमकना चाहिए कि एल्डोल बन सकता है एन ए ओ एच के ओ एच ओ एच माइनस एन ए टू थ्री के टू सी ओ थ्री दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कि हमारे पास एल्डोल बनेगा सुपर 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 इंपॉर्टेंट देखिए 65 तो सबसे पहले क्या होगा यह सी एच थ्री ओ एच है OH बाजू वाला कार्बन एल्फा एल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को आप चक के ले आए आपके पास बन जाएगा सी एच टू माइनस अब इसकी रिएक्शन आप वापस इसी एल्डोल के साथ कराएंगे इसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे ये ऊपर जाएगा ध्यान से समझना ये बनेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ये बनेगा सी एच टू सी पे ओ माइनस एक सी एच थ्री और एक एच अब आप इसका मीडियम एसिडिक करेंगे अभी शॉर्टकट सिखाती हूँ बच्चे ये बनेगा एच सी ओ सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री और अगर आप इसको गर्म करेंगे आपके पास कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनना चाहिए ओ OH एच निकालेंगे एच निकालेंगे मेरे पास बन जाएगा सी एच ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच सी आपको लग रहा है अरे मैम ये क्या टाइम पास कर रहे हो ये तो इतना सिंपल है आपको मैं बताना चाहूंगी ये मेन का सवाल है दिस इज नोन एज ए एल डी ई अब बच्चा कहता है मैम हम कैसे क्रोटोनलहाइट का स्ट्रक्चर याद रखेंगे आपको क्रोटोनलहाइट का स्ट्रक्चर नहीं याद रखना आपको ये याद रखना है कि सी एच सी सी एच ओ यानी कि एसिड है ना ये क्या है ये, सिंपल मतलब इथेनॉल हो गया है ना इथेनॉल हो गया तो सी एच थ्री सी एच ओ का अगर आप एल्डोल कराओगे यू विल गेट क्रोटोनल अब उसकी मर्जी वो आपसे पूछे कि क्रोटोनल्डी हाइट के अंदर बताओ कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना इसमें कार्बन नहीं है दर इज नो कार्बन मगर इसके दो फॉर्म बनेंगे एक, सिस, एक तो आपसे वो जी आई पूछेट्रिकल आइसोमर तो क्वेश्चन था अल्डोल का पूछा कहाँ गया जी आई में आइसोमेरिज्म में तो कैसे भी सिंपल क्वेश्चन को टफ कर देगा मगर उसने पता है क्या खेला वो खेलेगा क्रोटोनल्डिहाइड में बताओ कितने जी आई ठीक है या कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर अब भैया जिसको क्रोटोनल्डिहाइड नहीं पता वो क्या क्वेश्चन को प्रोसीड करेगा अब क्रोटोनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो मैं भी नहीं रखती हूँ मगर मुझे ये पता है कि सीएचसी सीएचओ से अगर मैंने अलडोल कराया मेरा बनेगा क्रोटोनल्डिहाइड ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस इज क्लियर टू एवरी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अब इसका शॉर्टकट देखो सिक्स है ना अब ये कॉन्सेप्ट चमकेगा ध्यान से देखना बच्चे अगर आपके पास है सी एच सी सी एच ओ एक सी डबल बॉन्डो एच तो एक का सी डबल बॉन्डो सामने रखो और जो दूसरे का एल्फा कार्बन है ना उसको सामने रखो ये सी एच सी सी एच ओ मतलब एक का सी डबल बॉन्ड हो सामने एक का एल्फा कार्बन सामने इन दोनों को बस पूरी की पूरी अल्डोल वाली प्रोडक्ट्स डाल के मतलब मान लो एक्वस एनिव डल रखा है और दूसरे स्टेप में हीट कर रखा है यहां से पानी निकाल दो क्या बन गया सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ बन गयाोटोनल्डीहाइट अगर क्रोटोनल्डिहाइड का क्वेश्चन पूछा जाता मुझे ये पूरी पंचायत करनी नहीं है मैं क्यों ये सारा काम करूं मुझे नहीं करना मेरे को बस ये शॉर्टकट आता है मैं शॉर्टकट लगाऊंगी मेरा आंसर आ जाएगा क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई सो दिस इज वॉट इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी कोई प्रॉब्लम तो हो तो प्लीज पूछिए डन एक मिनट <laughs> यहां तक एक मिनट चैट चेक कर लेती हूं यहां तक एनी प्रॉब्लम कोई चीज जो आपको लग रहा है कि मैम ये इंपॉर्टेंट थी ये छूट गई है ना तो प्लीज बेझिझक मुझे ये चीजें बताएं कि कोई आपको ऐसी चीज लग रही है कि मैम यार ये छूट गया है इसको दोबारा रिपीट करा दो तो आई विल रिपीट दैट ठीक है डन चलिए अब मैम दो चार और रिएक्शन सामने देखिए सामने देखिए सिक्सटी सेवेंथ रिएक्शन ये बहुत सिंपल है मेरे पास एक अल्काइल हेलाइट है मैंने रिएक्शन कराई सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं एक और अल्काइल हेलाइट के साथ दो एन निकाल देंगे मेरे पास बन जाएगा आर आर दिस इज़ नोन एज वुड्स रिएक्शन अब क्योंकि नेम रिएक्शन है तो पता है मुझे ऑर्गेनिकली है ना या फिर ट्रेडिशनली मुझे यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था कि बच्चे देखो ये वुड्स रिएक्शन है समझ रहे हो फिर इसी रिएक्शन को मैं और कंटिन्यू करूं मेरे पास बेंजीन के ऊपर सी है मैंने दो सोडियम डाले ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही हूँ फिर एक और है ना अर हलाइड है रिएक्शन कराई मेरे पास ये बन गया दिस इज़ नोन एज Fittig रिएक्शन ये क्या है Fittig रिएक्शन फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया मैं तुमको कहूँ मेरे पास एक अल्काइल हलाइड है दो सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है एक मैंने अल्काइल ले लिया एक मैंने अराइल ले लिया है ना और ये जो रिएक्शन कराई मेरे पास एक बेंजीन और आर ग्रुप इसको बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन है ना दिस इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन तो ये सारी चीज़ें पेपर पे देखते हो तो बहुत अच्छी लगती है वी रियली फील गुड कि मैम देखो हमने इतनी सारी नेम रिएक्शन कर ली तो मैं एक एक और नंबर भी ऐड कर दूंगी कि देखो सिक्सटी नाइन सेवेंटी रिएक्शन कर ली बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये नेम रिएक्शन है बट इनसे जही मेन में बहुत कम सवाल आते हैं बट जिस तरीके की रिएक्शन हमने अभी करी है है ना जिस तरीके की रिएक्शन हमने अभी करी है ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक रिएक्शन जो मेरे से अभी छूट गई है वो है आज की 70th बच्चे ने चैट में लिखा है अब कॉलबेस रिएक्शन होता क्या है ध्यान से देखिए मैंने लिया बच्चे फिनोल फिनोल के अंदर मैंने डाला एन तो एसिड बेस रिएक्शन होगी फिनोक्साइड बनेगा अब इस फिनोक्साइड के अंदर मैं डाल दूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये नहीं कि ओ का अटैक कार्बन पे करा दो क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है नहीं ओ सी का सिंगल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं है यहां पर ये शो करेगा रेजोनेंस यहां का, का कार्बन ऑर्थो का, का कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो मेरे पास बना हुआ आएगा सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस और यहां एक एच है अब ये एच प्लस यहां से निकलेगा सो दैट हमारी एरोमेटिसिटी गेन हो सके मेरे पास बन जाएगा ओ OH एच और सी ओ ओ माइनस ये जो हमारा बना जैसे हमने किया था सेली पहले सेलिसलडी हाइड अगर इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी नाउ दिस इज नोन एज सेलिसिक एसिड एस ए एल वाई सी वाई एल आई सी दिस इज नोन एज सेलिसिक एसिड ये इंपॉर्टेंट थी जो छूट गई थी कॉल्ब रिएक्शन क्या ये बात ठीक है ठीक है दिस इज क्लियर टू एवरी वन चलिए बच्चे ऑक्साइम शिफ्ट बेस वाली रिएक्शन उसके लिए देखो दैट इज नॉट एनी नेम रिएक्शन बट उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा देती हूँ ऑक्साइम और शिफ्ट बेस वाली रिएक्शन के लिए ध्यान से देखिए मान लो बच्चे मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लो ठीक है अगर मैंने इसके अंदर जैसे आ, लेटस से मैंने अमोनिया की रिएक्शन करी ठीक है तो अमोनिया की रिएक्शन हम कैसे कराएंगे ये रिएक्शन कराने के लिए गर्म करना पड़ता है पूरी प्रॉपर रिएक्शन ठीक है गर्म करेंगे तो ये पहले इस पर अटैक करेगा ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आर सी ओ माइनस आर ध्यान से देखते जाना ये बन जाएगा एन एच सी पे पॉजिटिव फिर एच माइन एच प्लस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ये ओ OH, एच ये आर ये रिएक्शन यहीं तक लटक जाती है आगे नहीं जाती ओ OH एच कहेगा नाइट्रोजन को कि तू बाहर जा नाइट्रोजन कहेगा तू बाहर जा ये रिएक्शन लटक जाती है तो जब मैं रिएक्शन को हीट करती हूं तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और सी डबल बॉन्डो को धक्के मार के बाहर निकालेगा मेरे पास बन जाएगा डबल एनएच टू पे पॉजिटिव फिर ये एच प्लस निकलेगा क्या बन जाएगा आर सी आर डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड एन एच ठीक है ये ऐसे रिएक्शन होगी तो इन सारी रिएक्शन का जिस गिमी वन सेकेंड एक मिनट मैं आपको ये सारी रिएक्शन करके दिखा देती हूँ बट ये रिएक्शन ना आ, वो नहीं है मतलब दीज आर नॉट नेम रिएक्शन सो तो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ नेम रशन बट मैं आपको आप चाहते हो तो मैं सारी की सारी एक बार आपको करके दिखा देती हूँ आई हैव नो वरीज ध्यान से देखना जस्ट वन सेकेंड ये जो रिएक्शन है ना इन सारी रिएक्शन को करने का जो हमारा शॉर्टकट है ये यहां पर ध्यान से सीखना तो बच्चे शॉर्टकट इन रिएक्शन का ये कहता है एक सेकंड ठीक है हाँ अभी एक आधी कोई और रिएक्शन अगर छूट गया ना मुझे चैट से बताना बच्चे बता रहे हैं ये बढ़िया बात है चैट में बता देना अगर कोई रिएक्शन छूट गई है देखो इन सारी रिएक्शन का शॉर्टकट आर सी डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन के पास दो एच होने चाहिए अगर अमोनिया भी है ना तो उसको एनएच की फॉर्म में लिखो और फिर क्या करो पानी निकालना आपको गर्म करना है पानी निकालना है रिमूव वाटर तो मेरे पास बन जाएगा आर सी आर डबल बॉन्ड एन एच कभी भी कोई भी नाइट्रोजन डेरिवेटिव सो दीज आर द द्वेश्चन फ्रॉम नाइट्रोजन डेरिवेटिव तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन आएगा सी डबल बॉन्ड हो के सामने एनएच टू रखना है पानी निकाल दो आंसर आ जाएगा अच्छा आगे देख लो कुछ जो छोटी छोटी रिएक्शन रह गई हैं एक होती है इटार्ड ई टी ए आर डी इटार्ड रिएक्शन सामने देखिए इटार्ड रिएक्शन किससे बनती है बच्चे सी एच थ्री टोलुवीन देखो रटने का तरीका ये बहुत कम आती है बट नेम रिएक्शन से तो करा रही हूँ यानी कि आप याद रख सकते हो कि टोलुवीन के साथ स्टार्ट करिए किसके साथ स्टार्ट करिए टोलुवीन के साथ आगे देखिए ई e को मैंने देखो ऐसे लिख रखा है कई लोग ई e को ये लिखते हैं तो क्या मैं लिख दू डबल सी तो याद रखने का तरीका क्या आप लिख दोगे सी आर ओ टू सी एल टू दो बार सी आर है सी आर ओ टू सी एल टू हम ऐड करते हैं ठीक है कार्बन डाइसल्फाइड सी एस टू की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि मेन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने हाइड्रोलिसिस करी तो आप सिंपल लिख देना हाइड्रोलिसिस करी सिंपल लिख देंगे देनाइट बन गया क्या यह बात सही है दिस इज इटार्ड रिएक्शन कोई प्रॉब्लम किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए ठीक है कोई भी किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना ये नहीं कि हमने आगे चक, करने के चक्कर में छोड़ दिया आगे देखो एक और चलो दो चार चीजें और शॉर्ट में सिखा देती हूँ बच्चे मान लो ठीक है मान लो मेरे पास आ, यही वाली चलो इन्हीं को एक बार स्टेप में सिखा देती हूँ मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ है और मैंने रिएक्शन करी एन एच टू एच की मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करी जब पानी निकला है ना गर्म किया पानी निकला तो मेरे पास बन गया आर सी आर डबल बॉन्ड एन एच इसको बोलते हैं इमीन अगर रिएक्शन करी अमोनिया के साथ हमारे पास बनेगा इमीन अगर मान लो मैंने रिएक्शन करी आर सी आर डबल बॉन्ड ओ एन एच टू आर मतलब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करी तो यहां से भी पानी निकलेगा गर्म करेंगे पानी निकलेगा अब बनेगा जो आर सी आर डबल बॉन्ड एन एच आर है ना एन एच आर क्यों लिख दिया आर सी आर डबल बॉन्ड एन आर तो ये जो एन आर बनेगा दिस इज वॉट इज नोन एज शिफ्स बेस s c h i s c h i डबल एफ shifts बेस ठीक है अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करी रिएक्शन कहलाएगी अमीन इमीन बनेगा अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करी अब जो बनेगा दैट इज नोन एज मतलब अगर मैंने इमीन के h को सब्स्टिट्यूट करके r ग्रुप कर दिया सो दैट उसी का ही एक नया स्पेशल नाम होता है इमीन ठीक है आगे देखो घबराना नहीं है 76 अगर मैंने r c r डबल बॉन्डो और मैंने रिएक्शन कराई एन एच टू ओ एच के साथ इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन देख रहे हो मैं क्या कर रही हूं मैं NH2 टू के एच को रिप्लेस कर रही हूं पहले एच फिर आर फिर इसको ओ OH। एच इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा आर सी आर डबल बॉन्ड एन ओ एच दिस इज वॉट इज नोन एज ऑक्साइम तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगा ऑक्साइम आगे देखिए आज की क्लास का सेवेंटी सेवेंथ पॉइंट कुछ भी छूटेगा नहीं विश्वास रखो सारा कुछ कराने की कोशिश कर रही हूं आर सी आर डबल बॉन्ड हो अगर मैंने एन एच टू टू इसको बोलते हैं हाइड्राजीन तो एच टू वो निकाल दो गर्म करो पानी निकला ये क्या बन गया आर सी आर डबल बॉन्ड एन और यहां एन एच टू इसको बोलते हैं हाइड्राजोन हाइड्राजीन से क्या बन गया हाइड्राजोन क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई अब मेरी मर्जी सेवेंटी एट आर सी आर डबल बॉन्ड हो और यहां देखो ये एन एच टू ये एनएच और ये बेंजीन क्या मैं इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोल दूं यहां से मैं पानी निकालूंगी आर सी आर डबल बॉन्ड एन यहां एन पे एक बेंजीन तो क्या मैं इसको फिनाइल हाइड्राजोन बोल सकती हूं न आई कॉल इट फिनाइल हाइड्रोजोन बिल्कुल सही अगली देखो सुपर इंपॉर्टेंट आर सी आर डबल बॉन्डो यहाँ पर एनएच टू देखो मेरा एनएच एच टू यहां पर हमेशा कॉन्स्टेंट है इसके ऊपर आप जो मर्जी लगाओ ये फिनाइल है एक टू पे और एक फोर पे लगा दो इसको बोलेंगे टू फोर डाई फिनाइल हाइड्रोजीन यहां से पानी निकालो क्या बन गया आर सी आर डबल बॉन्ड है एन एच और यहां पर बेंजीन, यहां लगाओ एनओ टू यहां लगाओ एनओ टू इसको बोलेंगे टू फोर डाई नाइट्रोफीनाइल हाइड्राजोन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब इसको बोलते हैं टू फोर डी एन पी टेस्ट तो जितने भी हमारे एल डी हाइड या कीटोन होते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स, वो सारे टू फोर डी एन पी टेस्ट देते हैं याद आ गया वो सारे हमें टू फोर डी एन पी टेस्ट देते हैं अरे 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 आज की क्लास में रिएजेंट मत घुसाओ है ना रिएजेंट घुसा दोगे तो फिर नेम रिएक्शन की क्लास कम हो जाएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिविजन ज्यादा हो जाएगी ठीक है नेम रिएक्शन की क्लास कम और पूरी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक की रिविजन मैं मानती हूँ ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड होती है तभी मतलब पढ़ाने लगो तो मन करता है ये भी बता दो ये भी बता दो अब मेरा मन कर रहा है मैं ये भी बता दूं टू फोर डी एन पी कौन कौन देता है शिफ्स बेस कौन कौन देगा फेलिंग टॉलेंस ये कौन कौन देंगे बट लेट इट बी नेम रिएक्शन की क्लास ठीक है फिर एक और क्लास मैं आपकी लूंगी जहां पर हम रियजन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एन आई पी टी पी डी कहाँ पर काम आता है ठीक है या फिर वुल्फ किश्नर जो है वो कहाँ काम आएगी स्पेसिफिकली अभी ये सारी चीज़ें कर लिए फिर टू फोर डी एन पी टेस्ट कौन देगा शिफ्स बेस का टेस्ट कौन देगा ठीक है ना फिर जॉन्स रिएजेंट कौन कौन आ, टेस्ट देगा कैसे ऑक्सीडेशन होगी ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे करेंगे ठीक है एक लास्ट आज की अस्सी रिएक्शन भी मैं कराना चाहूंगी द रिएक्शन इज नोन एज लिसिस रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आई थिंक आप जानते हैं मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड आर यहां आर आर अगर मैं डालू ओजोन ठीक है तो ये मैंने डाली जिंक वाटर चलो इसको भी और अच्छे से कराती हूँ बच्चे ओजोनोलिसिस रिएक्शन हमारी दो प्रकार की होती है एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप डालते हैं ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एम ई टू एस ये तीनों में से कुछ भी होना चाहिए अदरवाइज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम डालेंगे ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तब जाके वो कहलाती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अब इसका शॉर्टकट देखते हैं पहले तो मैं ऑक्सीडे रिडक्टिव करा देती हूँ रिडक्टिव हमारे बहुत कॉमन है पूछी जाती है आर सी आर डबल बॉन्ड सी आर एच और एक हो गया ठीक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एटी थ्री भी करा देती हूँ आर सी आर डबल बॉन्ड सी एच एच ऑक्सीडेटिव ओ में जैसा कि आप बच्चों ने मतलब रिडक्टिव जोनोलिसिस में मान लो मैंने डाला ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर आपने कुछ नहीं करना डबल बॉन्ड को तोड़ दो और उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दो डबल बॉन्ड को तोड़ दो और उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दो मतलब रिएक्शन आप कर रहे हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड को तोड़ दिया उसकी जगह हमने क्या लगा दिया डबल बॉन्डो ठीक है दिस इज क्लियर यहां पर भी देख लो अगर मैंने ओजोन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर ठीक है या फिर आपने डाला ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री ट्वाइस एस डाई मिथाइल सल्फाइड आपने क्या करना है डबल बॉन्ड को तोड़ो और डबल बॉन्डो लगा दो डबल बॉन्ड को तोड़ो डबल बॉन्डो लगा दो दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ रिडक्टिव ओजोन से अगर मुझे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करानी है मेरी बात ध्यान से सुनना सपोज <coughs> मुझे रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करानी है आर सी आर इसको कॉमन रख देती हूँ डबल बॉन्ड सी यहाँ आर एच एटी सिक्स यहाँ लिखिए आर सी आर डबल बॉन्ड सी एच एच अगर मान लो मैंने करानी है ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ टू ओजोनोलिस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ टू

अगर एक आर ग्रुप है तो रिएक्शन रुकेगी एसिड में अगर एक भी आर ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन रुकेगी सीओ टू में याद आ गया हाँ, सेव अभी अभी कर कर रहे हैं, बस अभी कर लेते हैं, बस लेते ठीक है? अगर दो आर ग्रुप हैं, तो रिएक्शन रुकती है कीटोन पे एक आर ग्रुप रिएक्शन रुकेगी एसिड पे। एक भी आर ग्रुप नहीं है रिएक्शन जाएगी सीओ टू सामने देखिए सामने देखिए मान लो मेरे पास दो आर ग्रुप है तो ओजोनोलिसिस करूंगी बच्चे कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती एक कार्बन पे दो आर ग्रुप हुए ध्यान से देखना एक कार्बन पे दो आर ग्रुप हुए कीटोन बनेगा कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या आपको ये चमक गया हैशटैग क्या ये चीज चमकी कि अगर दो आर ग्रुप हैं तो रिएक्शन कीटोन पे रुकेगी अगर एक कार्बन पे एक ही आर ग्रुप है तो इसका तो देखो कीटोन बना देना लेफ्ट वाले का कीटोन बन गया इसका क्या बनना चाहिए इसका बनना चाहिए अरे अर अर। इसका क्या बनना चाहिए इसका बनना चाहिए था एल्डिहाइड, मगर आप जानते हैं कि क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है किस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड आगे देखो अगर एक भी आर ग्रुप नहीं है तो इसका तो लेफ्ट हैंड साइड का तो बनेगा कीटोन एक भी आर ग्रुप नहीं है तो आंसर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल आर ग्रुप द आंसर विल बी कार्बोक्सिलिकसिड क्या ये रिएक्शन सबको अच्छे से समझ आ गई ठीक है डन <coughs> चम चम चमका अरे बढ़िया ठीक है चलिए सो so बच्चे अब देखो ऐसे तो अब तुम और गिनते 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 करते जाओगे तो बहुत ही मतलब लंबी चलती जाएंगी क्लास क्लास है ना तो मैं अभी और एक आधा कुछ सोच लेती हूँ केस कुछ रह गया है जो मैंने नहीं कराया वो लेट मी हैव हाँ अ लुक एक मिनट मतलब मैंने अपने हिसाब से इतनी ही लिखी थी आज कि मैं ये सारी रिएक्शंस आपको कराऊंगी बट कुछ और रह गया तो लेट मी हैव अ लुक एक मिनट मैं एन सी आर टी खोल लेती हूँ इन केस अगर कोई रिएक्शन छूट गई है तो मैं वो भी करा देती हूँ मतलब कोई नेम रिएक्शन मेरे हिसाब से छूटी नहीं है स्वाद सैंडम सब हो गया uh, शॉर्ट एंड वॉमेन हो गया ग्रेट ग्रेट और मेरे पास ना पी वाई क्यूज भी हैं तो अगर कुछ छूट गया तो लेट मी हैव अ क्विक लुक एस एन वन एस एन टू नेम रिएक्शन नहीं है यार कि कौन लिख रहा है एसन वन एसन टू वो कोई नेम रिएक्शन नहीं है ग्रिगनाड रिएजेंट चलो एक छूट गया एटी नाइन हो गया नाइनटी लेट अस टॉक अबाउट ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिगनाड रिएजेंट एक्चुअली एक नेम रिएक्शन नहीं है बट स्टिल देख लो मान लो मेरे पास आर है एल्काइल हैलाइड इसके अंदर मैंने मैग्नीशियम डाला रिएक्शन को मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया तो बच्चे जब भी तुम्हें कार्बन और हेलोजन के प्यार को इनकी दोस्ती को ब्रेकअप कराना है समझ रहे हो एक तुम एक तुम्हारी बंदी अब तुम्हारा ब्रेकअप होने के लिए एक पर्टिकुलर चीज तो रिक्वायर्ड है ना कईयों के केस में पैसा हो सकता है कईयों के केस में ईगो हो सकता है है ना कोई भी चीज तो बच्चे मेटल एक ऐसी चीज है जो हमेशा कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है तो यहां पर यह बन जाएगा आर देखो रिएजेंट बनने से फायदा क्या होता है पहले आर पे डेल्टा पॉजिटिव था मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था X पे डेल्टा माइनस था अब मैग्नीशियम बीच में आने से क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो आर पे समझ रहे हो ऐसा लगता है कि माइनस आ गया ये प्योरली आयनिक नहीं है बट देन ऑल्सो स्टिल यू बिलीव देर इज सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर बट स्टिल आर पे नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कि नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ग्रिगनाड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है ध्यान से देखना बच्चे कभी भी आर को अगर तुमने अल्कोहल में डाल दिया सी थ्री सी टू ओ में या फिर पानी में डाल दिया मतलब या फिर एसिड में डाल दिया आर किसी में भी ऐसी चीज में डाला जिसके अंदर आपके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है क्या होता है एसिडिक प्रोटॉन ये ग्रिगनाड रिएजेंट एक बहुत अच्छा बेस होता है और यह बेकार बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में तो अगर ग्रिगनाड की कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैसे तो ग्रिगनाड की रिएक्शन आती है कार्बोनिल एल कंपाउंड के साथ बट इन केस अगर डायरेक्ट सवाल आता है तो वो पानी वगैरह वगैरह के साथ आएगा कि आपने पानी डाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया एल्कोहल डाल दिया इसके अंदर आपने ग्रिगनाड रिएजेंट डाल दिया क्या ये बात भी अब सबको अच्छे से समझ आ गई कोई ऐसा टॉपिक जो अभी छूट गया है तो मुझे बताओ ग्रिगनार्ड एक रह गया था वो भी कंप्लीट हो गया ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको अरे यार मैं आपको रियजेंट्स वाली क्लास कराऊंगी तो इन केस अगर कोई एक आधा टॉपिक यहाँ पे छूट गया तो मैं वो रियजेंट्स वाली क्लास में कवर कर, कर दूंगी ठीक है ना आई विल कवर दैट टॉपिक इन रियजेंट वाली क्लास ऑल्सो बाकी आई एम श्योर हमने इतनी सारी आ, नेम रिएक्शंस जो आज कवर करी हैं इसमें आपको कॉन्फिडेंस तो आया होगा राइट हाँ डाउस प्रोसेस दे रखा है ये हमने कर लिया है डन डन फिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन एसाइलेशन फिटिक रिएक्शन वुड्स विटिक रिएक्शन एवरी थिंग इज तो डन डी डी टी चलिए डन सो so, आई थिंक आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं सो टोटल ऑफ नाइन्टी वन टॉपिक्स नाइन्टी वन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नाइन्टी वन में से अगर आ, देर आर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑल्सो तो फिर भी हमने काफ़ी सारी नेम रिएक्शन आज की क्लास में कवर करी है एंड आप निश्चिंत रहें ठीक है निश्चिंत रहें जितनी जेई मेन में नेम रिएक्शन से सवाल आते हैं वो सारे आज मैंने कवर कराने की कोशिश करी मतलब जब मैंने लास्ट के पीवाई जो रिसेंट ईयर्स के दो हज़ार सत्रह से लेके तेईस तक के जितने मेरे पास पीवाई क्यूज थे जब मैंने उन सबको उठा के देखा क्लब किया उसके बाद जब पेपर एनालाइज किया तो बच्चे मेरे देखो है ना मेरे उसमें ये सारी चीजें आई थी कि भाई ये कुछ छूटना नहीं चाहिए इतना बच्चे को कराने क्योंकि ये जेई मेन में पूछी गई हैं आगे भी पूछी जा सकती है ठीक है तो अब विश्वास रखें अपने ऊपर है हाँ ना विश्वास रखें अपनी मेहनत के ऊपर एक बार जब मैं आपको पी सेंड करूंगी तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना उसके बाद ट्राई टू डू और अदर टॉपिक्स यू नो ट्राई टू डू कुछ मैकेनिज्म वाले टॉपिक और अभी शाम को चार बजे सर की भी क्लास है तो वहाँ से भी नंबर अब आपके पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम एक टॉपिक को ऐसे रोबोट की तरह स्ट्रेच करें चलता ही जा रहा चलता ही जा रहा चलते ही जा रहा ये नहीं करना पी नहीं करनी अपने को अपने को कम पढ़ना है बट उससे आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए इतना हमारा आ, समझ रहो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि कम पढ़ो नंबर आ जाए किसी के 160 बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है एक सेशन से 168 पे चले जाओ 172 पे चले जाओ एक एक सेशन से चार चार आठ आठ नंबर गेन करने की कोशिश करो अगर ये स्ट्रैटेजी रखोगे अगर ये आ, समझ लो इस तरीके से पढ़ाई करोगे कि एक सेशन से चार नंबर कैसे गेन करूँ एक सेशन से और चार नंबर कैसे गेन करो तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे अदरवाइज ना एक ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ पढ़ के बच्चे का क्या होता है ना टॉपिक तो स्ट्रॉग हो जाएगा उससे आएगा तो एक ही सवाल ना उससे ज्यादा सवाल थोड़ी ना आएंगे तो ट्राई टू डू है अगर और होता तो मैं अपने आप ही तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके आती वो कराती। enough, worry, ठीक है मुझे फटाफट से चार में बता दीजिए हाउ वेज क्लास अच्छी लगी सो मेक श्योर जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी एक बार लाइक करना एंड हमारी वोरा क्लासेस के वेरी गुड 88.4 के बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सो वी वांट दिस नंबर टू रीच टू वन जीरो के हंड्रेड के तक लेकर जाते हैं सबसे पहले फैमिली को छोटे छोटे टारगेट्स हैं ठीक है छोटा छोटा टारगेट है कि पहले इतना अचीव करते हैं फिर और फिर और और है ना तो वेस तो स्काई इज़ द लिमिट बट येस विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मेहनत से है ना मेहनत से हर बच्चे का सिलेक्शन हो क्योंकि अब एक ही कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में बारी 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 आता है कि अब रिजल्ट ही बोलेगा अब रिजल्ट ही जवाब है बस आपको मेक श्योर करना है कि पूरी मेहनत करो शिद्दत से करो ये लास्ट के सात दिन में ना डगमगाना नहीं ठीक है बिल्कुल डगमगाना नहीं क्योंकि अगर अब कदम डगमगा गए ना तो फिर आगे का रास्ता आसान नहीं है ये कुछ वो छः सात दिन जो बचे हैं ना थोड़े टफ हैं आई अग्री मगर इसमें स्ट्रांग रहना इसमें तुम्हारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए ये सात दिन तुमने अच्छे से कर लिया ना मेहनत कर ली तो बच्चे आगे आईआईटी जाओ एनआईटी जाओ ना जाओ दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो मेरे हाथ में नहीं है वो तो भगवान ही जानते कि कौन बच्चा आईआईटी जा रहा है कौन एनआईटी जा रहा है मगर अगर ये मेहनत करने वाला एटीट्यूड इन दिनों में आपने आ, कर लिया ना तो जितना कर सकते हो ना उससे और अच्छा करके आओगे पेपर में ठीक है सो विद दिस आई थिंक मुझे सेशन को आज वाइंड अप करना चाहिए लेट मी वाइंड अप द सेशन वी हैव कंप्लीटेड अ टोटल ऑफ नाइंटी वन टॉपिक्स ठीक है ऑल द नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सेशन का पी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी सो दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल चैट्स में लिंक दे रखा है आप वहाँ से uh, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आई एल शेयर द पी डी एफ वेरी सुन ठीक है सो so, अब निशान सर की क्लास है चार बजे सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ दैट क्लास एज वेल चलिए थैंक यू सो मच बच्चे टेक केयर बाय बाय